क्वांटम केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों ने फिलोसफी ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री को समझा, उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ा, उसके बाद हमने शुरू की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑपरेटर की। ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हुए हम लोगों ने कम्यूटेटर के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया, जहाँ पर हम लोगों ने पहले डेरिवेटिव का पोजिशन के साथ और पोजिशन की पावर के साथ, उसके बाद हमने पोजिशन का मोमेंटम के साथ और मोमेंटम की पावर के साथ, और उसके बाद हम लोगों ने मोमेंटम का पोजिशन की पावर के साथ और पोजिशन के साथ हम लोगों ने उसे कम्यूटेटर को देखा। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम के एक्सप्रेशन को लिखना सिखाया और एंगुलर मोमेंटम का मैंने वहाँ पर कम्यूटेटर की बात की, एंगुलर मोमेंटम का पोजिशन के साथ, एंगुलर मोमेंटम का मोमेंटम के साथ और एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम के साथ कम्यूटेटर हमने वहाँ पर याद किए। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग मोमेंटम को प्रूव करेंगे और साथ ही साथ हम लोग हर्मेटिसिटी के कंसेप्ट को भी आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे कम्यूटेटर के, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए, डायरेक्ट एक्सप्रेशन बताए थे किस तरीके से आप लोग डायरेक्ट एक्सप्रेशन को याद कर सकते हो किसी भी कम्यूटेटर का। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी कुछ, मैं आपको फटाफट से उनको रिवाइज कराया था ताकि आज की क्लास से पहले आप लोगों को ये सब पता हो, और हम लोग प्रूफ करने वाले हैं आज जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेटर बताए थे। तो चलिए, मैंने आपको अभी तक बताया हुआ है कि पहले डेरिवेटिव का पोजिशन के साथ, पहले डेरिवेटिव का पोजीशन के साथ वो रिजल्ट देता है जो वो डिफरेंशिएशन के अंदर देता है। तो अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे ऐसा तो क्या निकल कर आता है, बस वन निकल कर आता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि कम्यूटेटर तो एंटी सिमेट्रिक होता है, अगर आपके पास डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू वन है, अगर आप इसको उल्टा करोगे एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लिखोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, माइनस का वन निकल कर आ जाएगा। अगर आपके पास एक्स के पास यहाँ पर कोई पावर दी गई हो और आप उसका कम्यूटेटर निकाल रहे हो पहले डेरिवेटिव के साथ, तो पहले डेरिवेटिव और पोजीशन का पोजीशन की पावर के साथ वो रिजल्ट देता है जो वो डिफरेंशिएशन के अंदर देता है। अगर आप एक्स रेज़ टू द पावर एन का डिफरेंशिएट करोगे क्या करोगे, n इंटू में x की पावर n माइनस वन, पावर को आगे लेके आते हो और पावर के अंदर से एक सबट्रैक्ट कर देते हो। अगर आप पोजीशन की पावर को पहले लिखोगे, पोजीशन और उसकी पावर को पहले लिखोगे, तो यहाँ पर आपको क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। उसके बाद मैंने आपको कुछ डायरेक्ट रिजल्ट याद कराए थे किसके, पोजीशन के और मोमेंटम के कम्यूटेटर के, मैंने आपको कुछ डायरेक्ट रिजल्ट याद कराए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम दोनों की दोनों आपके पास ऑपरेटर दिए गए हो और आपको उनका कम्यूटेटर निकालना हो, तो आप उसके डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो। अगर आपके पास किसी के ऊपर भी पावर नहीं है वन से बड़ी, दोनों के ऊपर सिर्फ वन ही पावर है, यहाँ पर एस के ऊपर वन पावर है, पी एस के ऊपर भी क्या है, वन ही पावर है, तो रिजल्ट आपके पास क्या निकल कर आएगा, आयोटा एच कट निकल कर आएगा। अगर एक्स पहले है तो प्लस आयोटा एच कट, एक्स अगर बाद में है तो माइनस आयोटा एच कट। सबसे पहले आपको यही देखना है जब आप देख रहे हो कम्यूटेटर ऑफ मोमेंटम और पोजीशन, चाहे पावर का हो चाहे बिना पावर का हो, अगर एक्स पहले लिखा हुआ है तो प्लस आयोटा एच कट लगाओगे, अगर एक्स बाद में लिखा हुआ है तो माइनस आयोटा एच कट लगाओगे। अगर पावर के साथ भी गिवन हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, एक्स आपका कहाँ लिखा हुआ है, एक्स पहले तो क्या करोगे आप प्लस का आयोटा एच कट लगाओगे, उसके बाद जिसके ऊपर पावर है रिजल्ट के अंदर वही आएगा। यहाँ पावर मोमेंटम के ऊपर, रिजल्ट में क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। फिर पावर को आगे ले आओ, पावर के अंदर से एक सबट्रैक्ट कर दो। अगर आपसे कोई पूछ ले पी एक्स की एन इंटू में एक्स का क्या है, तो पहले आप देखो कि एक्स कहाँ है, एक्स अगर बाद में है दैट मीन्स आपको लगाना है माइनस का आयोटा एच कट, उसके बाद जिसके ऊपर पावर है रिजल्ट के अंदर भी वही आएगा। यहाँ पी एक्स के ऊपर पावर है, इसके रिजल्ट में क्या आएगा, पी एक्स आएगा। पावर को आगे ले आओ, पावर के अंदर से एक सबट्रैक्ट कर दो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपको बताना है पी वाई इंटू में एन का वाई के साथ क्या है, तो आप पहले देखो कि आपका जो पोजीशन है यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, वाई है, वाई कहाँ है, वाई जो है वो बाद में है, अगर वाई बाद में है तो आप क्या लिखोगे, माइनस का आयोटा एच कट लिख दोगे। उसके बाद जिसके ऊपर पावर है रिजल्ट के अंदर तो वही आएगा, यहाँ पर पावर किसके ऊपर है, पी वाई के ऊपर पावर, रिजल्ट में क्या आ जाएगा, पी वाई आ जाएगा। फिर पावर को आगे ले आओ, पावर के अंदर से एक सबट्रैक्ट कर दो। तो इस तरीके से आप लोग पोजीशन का और मोमेंटम का कम्यूटेटर निकाल सकते हो, पावर पोजीशन के ऊपर भी हो सकती है, पावर पावर मोमेंटम के ऊपर भी हो सकती है। अगर दोनों के ऊपर पावर है तो आप उसको एक्सपेंड करके ही सॉल्व कर सकते हो, उसका जनरल एक्सप्रेशन आपके पास नहीं है। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर और पी एक्स का स्क्वायर दिया गया हो तो पी एक्स के स्क्वायर को आप पी एक्स इंटू पी एक्स लिखो, वहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी को लगाओ कम्यूटेटर के, फिर आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पी एक्स के साथ प्लस में एक्स स्क्वायर का पी एक्स के साथ। तो उसके बाद आप उसको खोलोगे तो आपके पास सारे एक्सप्रेशन वही आएंगे जो अभी तक आपने उनके फॉर्मूले देख लिए हैं। अगर आपके पास पावर एक्स के ऊपर है तो आप उसको किस तरीके से करोगे, सबसे पहले आप देखोगे एक्स आपका कहाँ है, अगर आपका एक्स आगे है तो आप सबसे पहले क्या लगा दोगे, आयोटा एच कट लगा दोगे। फिर जिसके ऊपर पावर है रिजल्ट के अंदर वही आएगा, यहाँ पर क्या है एक्स है तो रिजल्ट में क्या आ गया, एक्स आ गया। फिर पावर को आगे ले आओ और पावर के अंदर से एक सबट्रैक्ट कर दो। तो अगर आपसे कोई पूछे पी एक्स और एक्स रेज टू द पावर एन का क्या है,
तो सबसे पहले आप देखो कि आपका एक्स कहाँ है, एक्स बाद में है। अगर एक्स बाद में है तो आप माइनस का आयोटा एस कट लगा दो, उसके बाद जिसके ऊपर पावर है रिजल्ट के अंदर तो वही आएगा। पावर मेरी एक्स के ऊपर रिजल्ट में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। पावर को आगे ले आओ, पावर के अंदर से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस तरीके से आप इनके डायरेक्ट रिजल्ट को याद कर सकते हो। अब यहाँ पर जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहले डेरिवेटिव का पोजिशन के साथ या फिर मोमेंटम का पोजिशन के साथ कम्यूटेटर जीरो हो जाता है। कब? जब आपके कोऑर्डिनेट अलग अलग दिए गए हों। अगर पहला डेरिवेटिव आपके पास एक्स में है और पोजीशन वाई में है तो क्या हो गया, जीरो। यहाँ पर पहला डेरिवेटिव एक्स में है, पोजीशन जेड में है, क्या हो गया, जीरो। पहला डेरिवेटिव वाई में है, पोजीशन जेड में है, क्या हो गया, जीरो। उसी तरीके से अगर आपका पोजीशन एक्स में है, मोमेंटम जेड में है, तो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आपके पास मोमेंटम एक्स में गिवन है, चाहे उसकी पावर हो या ना हो, अगर पावर भी गिवन है साथ में कोई दिक्कत नहीं है, अगर मोमेंटम एक्स में हो और पोजीशन वाई में हो तो क्या हो जाएगा, जीरो। पहले डेरिवेटिव का पोजीशन के साथ, पोजीशन का मोमेंटम के साथ अगर आपके कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो वो रिजल्ट आपके पास कम्यूटेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट सेम है तो आपके पास जो डायरेक्ट रिजल्ट निकल कर आएगा वो आपको सारे के सारे याद है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया किस तरीके से आप उनके डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने देखे थे कुछ एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर और उसके कम्यूटेटर विद पोजिशन, विद मोमेंटम और विद एंगुलर मोमेंटम इटसेल्फ, हमने उसकी भी बाबर बात की थी। और उसके हमने लास्ट क्लास के अंदर डायरेक्ट रिजल्ट याद किए थे। आज की क्लास के अंदर मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट क्या कराऊंगा, याद कराऊंगा। हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी कि जो आपका एल एक्स है उसका एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपका एल वाई है वैसे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपका एल जेड जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपसे कहा था कि आपका एल एक्स है पी एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपका एल वाई है पी एस वाई के साथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसको हमने कहा था कि आपका एल एक्स है वो एल एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एल वाई जीरो हो जाएगा, एल जेड जीरो हो जाएगा। उस सब की हमने क्या की थी लास्ट क्लास के अंदर बात की थी। तो आज हम लोग उस चीज़ को प्रूव करते हैं कि आखिर ये जीरो क्यों होगा। तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एल एक्स और एक्स को जीरो प्रूव करके दिखाया था। आज हम प्रूव कर लेते हैं एल एक्स और पी एक्स को। मैंने आपसे कहा था कि आप उसको खुद प्रूव करके देखिएगा और मुझे पता है कि आप में से किसी ने भी प्रूव करके नहीं देखा होगा, इसीलिए मैं आज की क्लास के अंदर दोबारा करा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम इसको बार बार यूज़ करने वाले हैं और आपको पता होना चाहिए। अगर आपने निकाल के देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, और मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ वीडियो को पॉज कीजिए और खुद निकाल कर देखिए। अगर आपसे नहीं निकल रहा तब जाकर आप वीडियो को देखना शुरू कीजिए। तो आपको खुद निकालना भी आना चाहिए किस तरीके से आप कम्यूटेटर निकाल रहे हो, मोमेंटम का पोजीशन के साथ, मोमेंटम का मोमेंटम के साथ, मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम के साथ, आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए इम्प्रूव करते हैं एल एक्स और पी एक्स आपका जीरो क्यों है। डायरेक्ट जो रिजल्ट मैंने आपको बताए थे ये सभी रिजल्ट आपको क्या करने हैं, अपनी नज़र के अंदर याद रखने हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोजीशन का मोमेंटम के साथ अगर कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं तो रिजल्ट आपके पास जीरो हो जाता है। पोजीशन का मोमेंटम के साथ अगर कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं तो जीरो हो जाता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को यहाँ पर प्रूव कर पाओगे। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, एल एक्स इंटू में पी एक्स लिखा। तो सबसे पहले तो आपको एल एक्स को एक्सपेंड करना है। आपको लास्ट क्लास के अंदर मैंने इसको रिप्रेजेंट करना सिखाया था। एल एक्स को आप कैसे लिखोगे, अगर यहाँ पर एक्स है तो एक्स के बाद तो वाई आता है। पहले आप बनाओ गोला एक्स वाई और जेड। आप अगर क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड, तो एक्स के बाद क्या आता है, वाई। एक्स के बाद तो क्या आता है, वाई। तो वाई की पोजीशन जेड का मोमेंटम माइनस जेड की पोजीशन वाई का मोमेंटम। इस तरीके से आप एल एक्स को लिखते थे। तो आपने क्या किया, एल एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, वाई की पोजीशन जेड का मोमेंटम, जेड की पोजीशन वाई का मोमेंटम, इनटू में क्या अगर आपने पी एक्स को आपने यहाँ पर इसको एज इट इज लिख दिया। अब आप इसको ए ऑपरेटर मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो, बी ऑपरेटर, इसको क्या मान सकते हो, सी ऑपरेटर। फिर मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर कम्यूटेटर तो लीनियरिटी को फॉलो करते हैं, तो आप एक बार तो सी को करोगे इसके साथ। मैंने जो कैसे लिखवाया था, आप इसको लिख सकते हो ए का सी के साथ भी, और फिर माइनस का सी का बी के साथ भी। आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसको इसी तरीके से एक्सपेंड किया है। एक बार मेरा पी एक्स के साथ, वाई पी जेड के साथ, तो वाई पी जेड इंटू में पी एक्स, सी मेरा बाद में था, यानी कि पी एक्स मेरा बाद में था, पी एक्स मैंने राइट साइड में ही लिखा है। उसके बाद आप पी एक्स के साथ करोगे माइनस जेड ओ पी वाई के साथ, माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, क्या लिखा, जेड पी वाई इंटू में पी एक्स के साथ, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आप इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो, सी मान सकते हो। तो ये एक तरीके से क्या है, ए बी का कम्यूटेटर सी के साथ आप निकाल रहे हो। तो यहाँ पर आप लगाओगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, यहाँ पर आप क्या लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगाओगे इस वाले केस के अंदर। ये आपका क्या है, ए है, ये आपका क्या है, बी है, ये आपका क्या है, सी है। तो एक बार आप लगाओगे सी को बी के साथ, प्लस में सी को बी के साथ, और ए बी का कॉम्बो नहीं टूटना चाहिए, ए बी का कॉम्बो नहीं टूटना चाहिए। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर एक्सपेंड किया हुआ है, आप इसको देखिए। आपने किसको लगाया, आपने पी एक्स को लगाया वाई के साथ, आपने पी एक्स
एक्स को लगाया वाई के साथ, पीजेड जो है वाई के कहाँ है, राइट में है, तो मैंने पीजेड को क्या कर दिया, वाई के राइट में लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से भी लिख दिया। फिर मैंने अब लगाया पी एक्स को पी जेड के साथ, पी एक्स को पी जेड के साथ, वाई कहाँ है, पी जेड के, वाई पी जेड के लेफ्ट में, तो मैंने वाई कहाँ लिख दिया, लेफ्ट में लिख दिया। उसी तरीके से मैंने इन दो टर्म को भी यहाँ पर इस तरीके से खोल दिया। अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके पास पोजिशन जो है यहाँ पर वाई में है और मोमेंटम जो है वो एक्स में है, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। ये जो है मोमेंटम जेड में है, मोमेंटम कहाँ है, एक्स के अंदर है, जीरो हो गया। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, मैंने आपको ये भी कहा, चलो ये जीरो हो गया कोई बात नहीं। उसके बाद ये पोजीशन है और ये आपके भी जेड में है, ये आपका कहाँ है, एक्स के अंदर है, तो ये भी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। ये आपके पास पी वाई में है, ये आपका कहाँ है, एक्स के अंदर है, तो ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर भी जीरो बोल सकते हो। मैंने इसको यहाँ पर एक बार और खोल कर दिखाया है, मैंने यहाँ पर पी एस को लिखा है माइनस का आयोटा एच का डेल बाई डेल एक्स, फिर आप माइनस आयोटा एच को बाहर लिख सकते हो। यहाँ पर पोजीशन वाई में है, डेल बाई डेल एक्स एक्स में है, ये एक्स कोऑर्डिनेट में है, ये वाई में है, तो यहाँ पर भी जीरो हो गया। आप इसको यहाँ पर जीरो कहो, लेकिन आपको तो डायरेक्ट रिजल्ट याद है ना, आपको तो पता है कि पोजीशन का मोमेंटम के साथ भी अगर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो वो भी मेरा जीरो होता है, तो आप तो इसी स्टेज के ऊपर इसको जीरो बोल दोगे। तो ये आपके पास पूरा क्या निकल कर आ गया, जीरो निकल कर आ गया। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इन सब का जोड़ घटा भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो उसी तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, एल वाई पी वाई आपका जीरो होता है। उसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हो एल जेड पी जेड भी आपका जीरो होता है। एक मैंने आपको करके दिखाया, एटलीस्ट आप दो तो करके देखिए। अगर आप करके नहीं देखोगे प्रैक्टिस तो आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे आप वर्बली बोल बोल के देख लो आप किस तरीके से कर रहे हो। क्वांटम केमिस्ट्री जितना बोल के याद करोगे आपको उतना जल्दी याद होने वाली है। अब चले देखते हैं कि आखिर ये जो मेरा एल का एल एक्स का एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम के साथ जीरो कैसे आता है। तो उसको करने का भी एक ही तरीका है, सबसे पहले आपको एल एक्स को खोलना है। एल एक्स को आप कैसे खोलोगे, मैंने आपको बताया है एक्स के बाद तो वाई आता है, तो वाई की पोजीशन जेड का मोमेंटम माइनस में जेड की पोजीशन वाई का मोमेंटम। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। आप इसको बोल सकते हो ए ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर, सी ऑपरेटर माइनस डी ऑपरेटर। आप इसको कैसे खोलोगे, ए का सी के साथ बी, ए का डी के साथ बी, माइनस बी का सी के साथ बी, माइनस बी का डी के साथ बी। आपने क्या किया, वाई पी जेड का वाई पी जेड के साथ, वाई पी जेड का वाई पी जेड के साथ, वाई पी जेड का जेड पी वाई के साथ, वाई पी जेड का जेड पी वाई के साथ, जेड पी वाई माइनस में था मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। फिर आप क्या करोगे, माइनस जेड पी वाई का वाई पी जेड के साथ, माइनस मैंने बाहर लगा दिया, जेड पी वाई का वाई पी जेड के साथ। फिर आप करोगे जेड पी वाई का जेड पी वाई के साथ, जेड पी वाई का जेड पी वाई के साथ, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, बाहर क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, आप इसके अंदर लगा सकते हो ए बी, आप इसको पूरे को ए सी मान लो, आप इसको क्या मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी को लगाओ बी के साथ बी, सी को लगाओ ए के साथ बी। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, इसको ए मान लो, इसको आप इसको ए मान सकते हो, इसको बी सी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर लगाना है और इसको इस तरीके से एक्सपेंड करना है। तो जब आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड करोगे तो आप वहाँ पर देखोगे कि जो आपके पास एक्सपेंड होने के बाद आएगा तो आपका पोजीशन का और मोमेंटम का जो ऑपरेटर है वो अलग अलग कोऑर्डिनेट के अंदर आएंगे। इस केस के अंदर भी, इस केस के अंदर भी, इस केस के अंदर भी, इस केस के अंदर भी। इसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ, सारे के सारे जो आपके पास कोऑर्डिनेट निकल कर आएंगे वो जैसे इस केस के अंदर निकल कर आए थे अलग अलग, सारे के सारे यहाँ पर भी निकल कर आएंगे अलग अलग। आप यहाँ पर इसको इससे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जीरो कैसे हो जाएंगे, मैंने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, मैंने लिखा वाई वाई पी जेड को एक बार वाई के साथ, वाई पी जेड को एक बार वाई पी जेड के, वाई पी जेड को एक बार वाई के साथ। पी जेड जो है वाई के कहाँ है, पी जेड जो है वो वाई के राइट में है, तो मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, राइट में लिख दिया। फिर मैंने वाई पी जेड को लगाया पी जेड के साथ, वाई पी जेड को मैंने लगाया पी जेड के साथ, पी जेड के जो मेरा वाई है वो कहाँ है, लेफ्ट में है, तो मैंने वाई को लेफ्ट में लिख दिया। अब जब आप इस चीज़ को खोलोगे, जब आप इसको एक बार करोगे, वाई को वाई के साथ जीरो हो गया, वाई को पी जेड के साथ जीरो हो गया, कोऑर्डिनेट अलग है। वाई वाई जीरो क्यों हो गया, दोनों की दोनों मेरे सेम कोऑर्डिनेट के अंदर तो है, लेकिन दोनों की दोनों मेरे ऐसे ऑपरेटर है जो कि मल्टीप्लिसिटी को फॉलो, मल्टीप्लिसिटी उनका ऑपरेशन होता है। अगर दो ऑपरेटर का ऑपरेशन मल्टीप्लिसिटी होता है तो वो दोनों हमेशा कम्यूट करेंगे। उसके बाद मैंने आपको एक प्रॉपर्टी ये भी बताई थी कि एक ऑपरेटर अपने साथ और अपनी किसी पावर से क्या करता है, कम्यूट करता है। तो y का y के साथ क्या होगा, जीरो होगा। y का y स्टूडेंट पावर के साथ क्या होगा, जीरो होगा। तो ये y टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। उसी तरीके से y का पीरियड के साथ देखोगे तो कोऑर्डिनेट अलग है, जीरो हो जाएगा। जब आप पी जेड का पीरियड से देखोगे तो मेरे पास ऑपरेटर सेम है, ये जीरो हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया, फिर ये भी जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से आपके सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे आपके जीरो हो जाएंगे। तो आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो कि आपका एल एक्स इंटू एल एक्स जीरो होता है। आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो जो आपका एल वाई इंटू एल वाई जीरो होता है। यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो आपका एल जेड इंटू एल जेड जीरो होता है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रूव करा था एल एक्स इंटू मैक्स आपका जीरो होता है। वहाँ से आप प्रूव कर सकते हो एल वाई इंटू वाई जीरो होता है। वहाँ से आप प्रूव कर सकते हो आपका एल जेड इंटू में जेड जीरो होता है। तो ये सब चीज़ें आप प्रूव कर सकते हो, सबका एक एक केस मैंने आपको बता दिया। पूरा एक्सपेंड नहीं कर रहा, पूरा एक्सपेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि एक्सपेंड होने के बाद क्या आएगा, और वो तो जीरो हो ही जाएगा। तो इतना तो अंडरस्टूड है, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। प्रूफ आपको याद होना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करने हैं। लेकिन मैं आपको प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आखिर ये जीरो क्यों आया है।
तो जिनकी वैल्यू जीरो आई थी वो आपने सभी देख लिया। अब देखते हैं कि किनकी वैल्यू जीरो नहीं थी उसकी वैल्यू आप किस तरीके से लिखते हो। तो अगर आपको कम्यूटेटर निकालना है एल एक्स इंटू में वाई का, यानी कि आपको एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेटर निकालना है मोमेंटम के साथ, तो डायरेक्ट रिजल्ट तो मुझे पता है डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है। आपको पहले क्या लगाना है, आयोटा एस्केट लगाना है। उसके बाद अगर एंगुलर मोमेंटम का निकाल रहे हो पोजीशन के साथ तो पोजीशन आएगा, एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे मोमेंटम के साथ तो मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे एंगुलर मोमेंटम के साथ तो एंगुलर मोमेंटम आएगा। यहाँ पर क्या है, मोमेंटम है, तो क्या आएगा रिजल्ट में, मोमेंटम आएगा। कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, यहाँ पर एक्स भी है वाई भी है तो क्या बच गया, जेड बच गया। प्लस माइनस कौन बच जाएगा, गोला डिसाइड करेगा। एक्स वाई जेड बना लो, एक्स वाई जेड बना लो, एक्स से वाई जा रहे हो, एक्स से वाई तो क्लॉक वाइज हो गया, तो क्लॉक वाइज मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो डायरेक्ट रिजल्ट तो आपको पता है कि आयोटा एस्केट PZ आएगा, लेकिन अभी हम इसको प्रूव करते हैं कि आखिर ये प्लस आयोटा एच कट पीएच कैसे आया, PZ कैसे आया। तो चलिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया, LX को एक्सपेंड किया। LX को एक्सपेंड आप कैसे करोगे, X की बात तो Y आता है, तो Y की पोजीशन Z का मोमेंटम माइनस का Z की पोजीशन Y का मोमेंटम। मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है Y की पोजीशन Z का मोमेंटम माइनस Z की पोजीशन Y का मोमेंटम, इनटू में क्या कर दिया, इनटू में मैंने PY कर दिया, इनटू में मैंने PY कर दिया। इसको आप A बोल सकते हो पूरे को, इसको B बोल सकते हो। A माइनस B, A माइनस B का किस साथ कर रहे हो, C के साथ। लीनियरिटी को यहां पर लगाओगे, C को एक बार A के साथ, माइनस C को एक बार B के साथ। PY को आप लगाओगे Y PZ के साथ भी, PY को आप लगाओगे Z PY के साथ भी। बीच में क्या लग गया, माइनस लग गया। उसके बाद आपको इन चीज़ों को खोलना है। इन चीज़ों को आप कैसे खोलोगे, इसको आप A मान लो, इसको आप क्या मान लो, B मान लो, इसको आप क्या मान लो, C मान लो। यहाँ पर आप क्या लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को लगाओगे कम्यूटेटर की। कैसे लगाओगे, C को करोगे एक बार A के साथ, C को करोगे B के साथ, B A B का कॉमो रहे टूटना चाहिए। तो मैंने किसको लिखा, मैंने लिखा PY को किया, मैंने किसके साथ PZ के साथ किया, PY को मैंने किसके साथ किया PZ के साथ किया। Y कहाँ है, PZ के, Y PZ के लेफ्ट में है, तो Y को मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर मैंने लगाया प्लस, प्लस के प्लस लगाऊंगा। उसके बाद मैंने किया PY को मैंने किया किसके साथ, उसके बाद मैंने PY को किया Y के साथ, PY को मैंने किसके साथ किया Y के साथ किया। PZ मेरा Y कहाँ पे, राइट में है, तो PZ मैंने कहाँ लिख दिया, राइट के अंदर मैंने लिख दिया। ये मेरा ये भी एक्सपेंड हो गया, इसी तरीके से मैंने इसको भी एक्सपेंड किया हुआ है। PY को मैं एक साथ करूंगा, एक बार PY के साथ करूंगा, PY को PY के साथ कर दिया। Z मेरा लेफ्ट में था, मैंने लेफ्ट में लगा दिया। PY को मैंने Z के साथ किया, PY को मैंने Z के साथ किया। PY मेरा Z के कहाँ था, राइट में था, मैंने कहाँ लगा दिया, राइट में लगा दिया। अब आप इसको देखिए, PY PY तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। किसी भी ऑपरेटर का अपने खुद के साथ क्या होता है, जीरो होता है, तो ये टर्म आपकी जीरो हो गई। उसके बाद Z इंटू PY देखिए, कोऑर्डिनेट अलग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो गया। फिर आप इसको देखिए, PZ इंटू में PY आप देख रहे हो, PZ इंटू में PZ आप देख रहे हो, तो यहाँ पर भी क्या है, कोऑर्डिनेट अलग अलग हो गए। अगर पोजीशन का मोमेंटम के साथ कोऑर्डिनेट अलग है जीरो, मोमेंटम का मोमेंटम के साथ अगर कोऑर्डिनेट अलग है तो जीरो, अगर मोमेंटम मोमेंटम का कोऑर्डिनेट सेम है तब भी जीरो, क्योंकि दोनों ऑपरेटर क्या है, सेम ऑपरेटर है, तो वहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रिजल्ट तो आपका कौन देगा, रिजल्ट के लिए आपके पास बच गया ये, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, वाई है और पी वाई है, पोजीशन है और मोमेंटम है, दोनों चीज़ें हैं, और कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। अगर मेरा कोऑर्डिनेट सेम निकल कर आ रहा है तो इसका मतलब रिजल्ट तो मेरा पक्का निकल कर आएगा। रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, आपको मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पता हो, वैसे आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी यहाँ पर याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एक्स और पी एक्स का ऑपरेटर दिया हो तो आप किस तरीके से निकालोगे। एक्स आपका पहले तो क्या लगाओगे, प्लस का आयोटा एच कट, उसके बाद दोनों की पावर क्या है, वन वन, तो उसको छोड़ दोगे, आगे कुछ भी नहीं लगाना। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, यानी कि पी एक्स को पहले लिखो और एक्स को पहले लिखो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा एच कट लगा दोगे। तो अगर आप एक्स की जगह वाई कोऑर्डिनेट ले रहे हो, पी वाई और वाई का देखोगे, तब भी तो यही रहेगा, माइनस आयोटा एच कट। तो पी वाई वाई और पी वाई ऑपरेटर क्या हो जाएगा, सीधा क्या लिख सकते हो आप इसको, माइनस का आयोटा एच कट, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, माइनस का आयोटा एच कट, आप इसको माइनस का आयोटा एच कट, आप इसको डायरेक्ट, नहीं नहीं आप इसके अंदर देखोगे, अगर आपका एक्स पहले है तो क्या है, प्लस का आयोटा एच कट है। इस वाले के इसके अंदर तो वाई आपका पहले है ना, तो क्या आ जाएगा, प्लस का आयोटा एच कट आ जाएगा। प्लस का वाई आपका पहले तो क्या आ जाएगा, प्लस का आयोटा एच कट आ जाएगा। उसके बाद साइड में क्या लिखा हुआ है, पी जेड, आप में क्या कर दो, पी जेड कर दो। यही तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट था, यही तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट था, प्लस का आयोटा एच कट पी जेड, यही तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट था, प्लस आयोटा एच कट पी जेड। मैंने इस वहाँ पर पी वाई को एक्सपेंड किया हुआ है, पी वाई को आप लिख सकते हो माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल वाई, इसको आप लिख सकते हो वैसे, क्योंकि ये तो उसका ऑपरेटर होता है, मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, पी एस का होता है माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, पी वाई का होता है माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल वाई, पी जेड का होता है माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल जेड। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, ये मेरा कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट को मैं बाहर लिया है, बच क्या गया, वाई इंटू में पी वाई इंटू में डी वाई डी वाई, एक्स इंटू में डी वाई डी एक्स का क्या होता है, माइनस वन होता है, तो वाई इंटू में, तो y इंटू में डी वाई का क्या होगा, माइनस वन होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको माइनस वन लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या बस क्या आ गया आपके पास, आयोटा एच कट पी जेड हो गया। तो इस तरीके से आप रिजल्ट को भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट वैल्यूज याद अगर होंगी तो ज़्यादा अच्छी बात है, और डायरेक्ट वैल्यू याद करना कोई मुश्किल है भी नहीं, डायरेक्ट वैल्यू को याद करना मुश्किल है भी नहीं। पहले डेरिवेटिव का पोजीशन या पोजीशन की पावर के साथ वो रिजल्ट देगा जो डिफरेंशिएशन के अंदर देता है। अगर आपके पास पोजीशन और मोमेंटम का आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी पोजीशन
कहाँ है। अगर आपका एक्स पहले है तो प्लस आयोटा एच कट, एक्स अगर बाद में है तो माइनस आयोटा एच कट। उसके बाद अगर पावर दोनों की वन वन है तो कुछ भी नहीं करना, प्लस आयोटा एच कट माइनस आयोटा का आंसर हो गया। अगर आपके पास कोई पावर गिवन है तो रिजल्ट के अंदर जिसके ऊपर पावर है वही रिजल्ट के अंदर भी आएगा। अगर एक्स के ऊपर पावर है तो रिजल्ट में एक्स आएगा, पी एक्स के ऊपर पावर है तो रिजल्ट में पी एक्स आएगा। पावर को आगे लगाना है, पावर के अंदर से एक माइनस कर देना है। तो इस तरीके से आप इसके डायरेक्ट रिजल्ट को भी याद कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक को वर्क करके दिखाया, बाकी चीज़ों को आप करके देखिए, करना उतना ही आसान है। आपको एल एक्स इंटू में, अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्टेड हो कि एल वाई, एल एक्स इंटू में एल वाई की वैल्यू मेरी कैसे निकल के आएगी आयोटा एच कट एल जेड, तो आप इसको भी निकाल सकते हो, आप इसको भी आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एल एक्स को एक्सपेंड करना, एल वाई को एक्सपेंड करना, दो टर्म यहाँ से आएगी, दो टर्म यहाँ से आएगी, बीच में कोमा हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगी, लीनियरिटी को आप फॉलो कराना। लीनियरिटी को फॉलो कराने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो कराते रहना, बार बार कराते कराते रहोगे तो सारी टर्म जीरो हो जाएगी एक को छोड़ के, सारी टर्म जीरो हो जाएगी एक को छोड़ के, उस एक से आपका रिजल्ट निकल कर आएगा आयोटा एच कट इंटू में एल जेड। लेकिन प्रूफ आपको याद करना है क्या, प्रूफ आपको याद ही नहीं करना, क्वेश्चन तो आपके पास एमसीक्यू आते हैं, टिक लगाओ आंसर निकल जाएगा, टिक लगाओ आपके नंबर आ जाएंगे, टिक लगाओ नंबर आ जाएंगे, तो वहाँ तो आपको थोड़ा ना प्रूफ करके दिखाना है। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, इन सब चीज़ों का आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा और डायरेक्ट रिजल्ट याद करना मुश्किल है भी नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया था लेटर ऑपरेटर क्या होते हैं, एल प्लस की मैंने वहाँ पर बात की थी, एल माइनस की भी आपसे वहाँ पर बात की थी। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ कि जो आपका एल प्लस होता है वो क्या होता है, एल एक्स प्लस में आयोटा एल वाई, एल माइनस क्या होता है, एल एक्स माइनस में आयोटा एल वाई। जिस तरीके से हमारे एंग्लो मोमेंटम के ऑपरेटर चलते हैं उसी तरीके से हमारे स्पिन एंग्लो मोमेंटम के ऑपरेटर भी चलते हैं। जिस तरीके से आप लोग कम्यूटर निकालते हो एंग्लो मोमेंटम के, उसी तरीके से आप स्पिन एंग्लो मोमेंटम के ऑपरेटर भी निकाल सकते हो। अगर आप लोग अभी तक बोल रहे थे कि एंग्लो मोमेंटम का पोजिशन के साथ रिजल्ट क्या होगा, आयोटा एच कट इंटू में पोजिशन, बशर्ते आपके कोऑर्डिनेट अलग अलग हो। एंग्लो मोमेंटम का एंग्लो मोमेंटम के साथ क्या होगा, आयोटा एच कट मोमेंटम, बशर्ते आपके कोऑर्डिनेट अलग अलग हो। एंग्लो मोमेंटम का एंग्लो मोमेंटम के साथ रिजल्ट क्या होगा, आयोटा एच कट इंटू में एंग्लो मोमेंटम, बशर्ते आपके पास रिजल्ट अलग अलग हो। और प्लस माइनस का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो कौन बताएगा, गोला बताएगा, एक्स वाई जेड आपको प्लस माइनस का साइन भी आपको वहाँ पर बता देगा। तो जिस तरीके से आपने एंग्लो मोमेंटम के पढ़े उसी तरीके से आप स्पिन एंग्लो मोमेंटम के भी पढ़ोगे। स्पिन एंग्लो मोमेंटम का पोजिशन सब क्या देगा, प्लस माइनस आयोटा एच कट इंटू पोजिशन। स्पिन एंग्लो मोमेंटम मोमेंटम का क्या देगा, प्लस माइनस आयोटा एच कट इंटू में मोमेंटम। स्पिन एंग्लो मोमेंटम का स्पिन एंग्लो मोमेंटम का क्या देगा, प्लस माइनस आयोटा एच कट इंटू में स्पिन एंग्लो मोमेंटम। जैसे कि अगर आपसे कोई एकदम से पूछ ले कि आपके पास एक्स एक्स का बताना है आपको एक्स के साथ, तो आप किस तरीके से इसको बताओगे। जैसा कि आपको पता है कि एल एक्स का इससे क्या होता है, जीरो होता है, कोऑर्डिनेट मेरे क्या है सेम है, तो कोऑर्डिनेट सेम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आपसे कोई एकदम से पूछ ले कि आपको एक्स एक्स और वाई को बताना है तो आप इसको किस तरीके से बताओगे, तो ये तो मेरा क्या है एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ये मेरा क्या है पोजिशन है, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस माइनस आयोटा एच का इनटू में क्या पोजिशन, पोजिशन क्या एक्स और वाई को गिवन है तो क्या आ गई जेड आएगी। साइन कौन बताएगा, साइन बताएगा गोला, एक्स वाई जेड बना लो, एक्स से वाई जा रहे हो, क्लॉक वाइज जा रहे हो, क्लॉक वाइज जा रहे हो तो क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। तो जिस तरीके से आपने एंगुलर मोमेंटम का पढ़ा उसी तरीके से आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपसे कोई एकदम से पूछ ले कि एस वाई और एल पी जेड का क्या होता है, तो आप उसको किस तरीके से करोगे, कम्यूलेटर, ये तो आपके पास क्या है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये आपके पास क्या मोमेंटम, रिजल्ट क्या आएगा आयोटा एच कट इंटू में मोमेंटम। मोमेंटम का यानी कि पी लगा दो, वाई और जेड गिवन तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या लगेगा, यहाँ पर बताया गोला, एक्स वाई जेड, वाई से जेड जा रहे हो, वाई से जेड जा रहे हो, वाई से जेड क्या जा रहे हो, क्लॉक वाइज जा रहे हो, तो क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। तो जिस तरीके से एंगुलर मोमेंटम का निकाला उसी तरीके से स्पिन एंगुलर मोमेंटम का भी आपको सभी सभी निकालने आते हैं। एल प्लस और एल माइनस का यूज़ आप कब करोगे, एस प्लस और एस माइनस का कब यूज़ कब करोगे, कभी कभार वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर बोल देगा कि आपको एल माइनस और एल वाई का निकालना है, तो आप उसको किस तरीके से निकालोगे, एक मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोग करके देख रहे हैं सभी बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, एल माइनस की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है, एल माइनस की आपकी वैल्यू होती है एल एक्स माइनस आयोटा में एल वाई, ये आपको वैल्यू पता है, आपको निकालनी है एल वाई के साथ। उसके बाद आपको पता है कम्यूटेटर जो है वो लिनियरिटी को फॉलो करते हैं, तो एल वाई को एक बार ऐसे करना है, एल वाई को एक बार कैसे करना है, ऐसे करना है, तो क्या करोगे आप एल एक्स को कर दोगे एल वाई के साथ, उसके बाद माइनस का आप कर दोगे आयोटा एल वाई को एल वाई के साथ, ये कर दोगे। उसके बाद आपको इसको तो रिजल्ट डायरेक्ट पता है एंग्लो मोमेंटम का, एंग्लो मोमेंटम से आप निकाल रहे हो, रिजल्ट क्या आएगा आयोटा एच का इंटू में एंग्लो मोमेंटम, एक्स वाई गिवन तो क्या आ गया जेड आ गया, एक्स से वाई जाओगे, एक्स से वाई जाओगे, एक्स से वाई जाओगे तो क्लॉक वाइज जाए तो क्या निकल कर आ गया, प्लस निकल कर आ गया। माइनस कर दोगे आगे इसके क्या आयोटा आपका बाहर निकल, क्या बच गया एल वाई इंटू में वाई एल वाई बच गया, एल वाई इंटू में एल वाई क्या होता है जीरो होता है, कोऑर्डिनेट मेरे क्या यहाँ पर सेम है, तो रिजल्ट क्या निकल कर आ गया प्लस आयोटा एच कट एल जेड, ये आपका क्या निकल कर आ गया डायरेक्ट रिजल्ट निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आप एल प्लस एल एक्स का भी कर सकते हो, एस प्लस एस माइनस का भी कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आप करके देखिए, मैंने बहुत सारे अभी तक एग्जाम बता दिए कम्यूटेटर के किस तरीके से आप इसको कर सकते हो, मैंने आपको वो भी बता दिया। इससे हार्ड क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, सी एस आई आर नेट के अंदर इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है एक मिनट के अंदर आप इन क्वेश्चन को ईजिली
कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 ऑपरेटर की। अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं 5 ऑपरेटर की। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि ऑपरेटर जो है वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, वो हमेशा फंक्शन के लेफ्ट साइड से लगेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, अगर आप ऑपरेटर का स्क्वायर करके, ऑपरेटर का स्क्वायर का मतलब है कि आपको ऑपरेटर को 2 टाइम लगाना है। अगर आपके पास कहीं लिखा हो ऑपरेटर का स्क्वायर इनटू में फंक्शन, इसका मतलब आपको ऑपरेटर को 2 बार अप्लाई करना है फंक्शन के ऊपर, ना कि आप पहले ऑपरेटर का स्क्वायर करोगे उसके बाद फंक्शन के ऊपर लगाओगे। उसके बाद मैंने आपको बताई तीसरी प्रॉपर्टी, जहाँ मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेटर होते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर वो सारे के सारे लीनियर ऑपरेटर होते हैं। फिर मैंने आपको लीनियर ऑपरेटर की कुछ कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन ये थी कि अगर आप 2 फंक्शन के सम के ऊपर ऑपरेटर लगाओ या फिर उन फंक्शन का अलग अलग सम करके लगाओ तो आपके पास रिजल्ट सेम आएगा, और जो लीनियर ऑपरेटर होते हैं वो रिजल्ट क्या देते हैं, सेम देते हैं। फिर मैंने आपको सेकंड कंडीशन ये बताई थी कि लीनियर ऑपरेटर की टेंडेंसी होती है कि ऑपरेटर और फंक्शन के बीच में अगर कोई कांस्टेंट होता है तो वो उस कांस्टेंट को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी लीनियर ऑपरेटर की। फिर मैंने बात की थी चौथी प्रॉपर्टी ऑपरेटर की, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेबल होते हैं उन सभी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपके पास ऑपरेटर होते हैं। उन सभी ऑपरेटर की बात की थी हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर, जहाँ पर हमने पोजिशन के ऑपरेटर देखे थे, मोमेंटम के ऑपरेटर देखे थे, काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर देखे थे, पोटेंशियल एनर्जी के ऑपरेटर देखे थे, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर देखा, तो इसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते थे। तो उन सभी चीज़ों की हमने बात वहाँ पर की थी। फिर मैंने आपको कहा था 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर को मैंने हमने अच्छा खासा फोकस किया है। कम्यूटेटर में हमने देखा था पहले डेरिवेटिव का पोजिशन के साथ क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था कि पोजिशन का मोमेंटम के साथ क्या होता है, उसके बाद हमने पोजिशन मोमेंटम के ऊपर पावर ला कर देखा था। एक के ऊपर पावर होगी डायरेक्ट जल, आपको याद है, दोनों के ऊपर पावर होगी तो आप उसको एक्सपेंड करके करते चले जाना, ईजिली वहाँ से आपके हो जाएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, एल एक्स को, एल वाई को, एल जेड को किस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद आपने एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेटर देखा था पोजिशन के साथ भी, मोमेंटम के साथ भी और एंगुलर मोमेंटम के साथ भी। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 ऑपरेटर, जो कि आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, जो कि क्या है, ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी हर्मिशियन। यानी कि जितने भी ऑपरेटर आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो आपको रियल वैल्यूज देते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो आपको रियल वैल्यूज देते हैं। पहली क्लास के अंदर जब मैंने आपको फिलोसफी ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री बताई थी, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि पूरी की पूरी क्वांटम 6 पोस्टुलेट के ऊपर बेस्ड है, और 6 की 6 पोस्टुलेट क्या किए गए हैं, अज्यूम किए गए हैं। अगर कोई थ्योरी अजम्पशन के ऊपर चलती है तो उसका प्रूफ हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं। अगर कोई भी थ्योरी अजम्पशन के बेस के ऊपर खड़ी हुई है तो उसका प्रूफ हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको प्रूफ कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट तो जो है वो रियल रिजल्ट देता है ना, वो तो आपके पास कोई रियल वैल्यू निकल के देगा ना। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब के अंदर तो वो तो आपको रियल वैल्यू से तो देगा। तो अगर हमारी क्वांटम केमिस्ट्री की थ्योरी अजम्पशन के ऊपर बेस है, यानी कि एक्सपेरिमेंट के, यानी कि एक्सपेरिमेंट की प्रूफ के ऊपर बेस है, तो आपके पास सारे रिजल्ट कैसे आने चाहिए, रियल आने चाहिए। तो हर्मिशियन वही होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर वही होते हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू क्या होती है भी आपको पता नहीं है, लेकिन आइगन वैल्यूज क्या होती है, एक तरीके से वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल होती है, जो कैलकुलेट करना हमारा मेन फोकस है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। अभी तक हम उस टॉपिक तक पहुंचे नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हर्मिशियन ऑपरेटर वो होते हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या होती है, हमेशा रियल होती है। रियल वैल्यूज हमें क्यों चाहिए, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री 6 पोस्टुलेट के ऊपर बेस्ड है जो क्या है, अज्यूम किए गए हैं। अगर कोई थ्योरी अजम्पशन के ऊपर बेस होती है तो हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करते हैं। अगर हम लोग उसे लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैसे निकल के आनी चाहिए, वो रियल निकल के आनी चाहिए। अगर वो चीज़ रियल निकल के आनी चाहिए, इसका मतलब जो ऑपरेटर आप यूज़ करने वाले हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, वो सभी की सभी क्या है, वो सभी के सभी रियल वैल्यू देने चाहिए। और रियल वैल्यू जो ऑपरेटर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसे हम हर्मिशियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो 6ठी प्रॉपर्टी ये है कि ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी हर्मिशियन। तो देखते हैं मैथमेटिकली हम लोग हर्मिशियन को किस तरीके से लिखते हैं। ऑपरेटर ए इज सेट टू बी हर्मिशियन व्हेन, जब आप इसको लिख सकते हो आपको क्या करना है, 2 फंक्शन के बीच में ऑपरेटर को लगाना है, 2 फंक्शन के बीच में ऑपरेटर को लगाना है, फिर फंक्शन को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, फंक्शन को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। और जब आप फंक्शन को इंटरचेंज करोगे तो आपको ऑपरेटर का कंजुगेट को, आपको ऑपरेटर को ऑपरेटर कंजुगेट से भी रिप्लेस कर देना है। मान लीजिए आपके पास कोई 2 फंक्शन है जी और एफ, तो आपको ऑपरेटर को जी और एफ के बीच में लगाना है, ऑपरेटर को जी और एफ के बीच में लगाना है, ऑपरेटर को जी और एफ के बीच में लगाना है। एक फंक्शन का आपको कंजुगेट लेना है और एक फंक्शन को एज इट इज लिख देना है। जी का मैंने यहाँ पर कंजुगेट ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जी को रिप्लेस करना है एफ से, एफ को रिप्लेस करना है जी से। एफ मेरा इधर आ गया, जी मेरा इधर आ गया, जब मैंने रिप्लेस किया तो मैंने ऑपरेटर पे क्या लगा दिया, अपना कंजुगेट लगा दिया। और आपको इसका इंटीग्रेट करना है डी टाउ के साथ। डी टाउ मेरा क्या है, डी टाउ है मेरा वॉल्यूम एलिमेंट। 1D बॉक्स के लिए dx हो जाएगा, 2D बॉक्स के लिए dx dy हो जाएगा, 3D बॉक्स के लिए dx dy
डी जेड हो जाएगा। अब इस चीज को आप दोबारा समझिए, मैंने यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ऑपरेटर ए इज सेट टू बी हर्मिशियन व्हेन, कंडीशन क्या है, जब आपके पास कोई भी दो ऑपरेटर हो, आप उन ऑपरेटर, अगर आपके पास कोई एक वेव फंक्शन हो तो एक का कोजुगेट ले लो, दूसरा आप सिंपल क्या कर लो फंक्शन ले लो, उन दोनों फंक्शन के बीच में आप ऑपरेटर को लगा दो, उसके बाद आपको ऑपरेटर की पोजीशन इंटरचेंज करनी है। जब आप पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो आपको ऑपरेटर के ऊपर भी क्या लगा देना है, कॉन्जुगेट लगा देना है। मैंने यहाँ पर लिया फंक्शन का कॉन्जुगेट पहले लिया, फिर मैंने क्या किया फंक्शन के ऊपर बीच मैंने क्या कर दिया ऑपरेटर कर दिया, इंटीग्रेट कर रहा हूँ डी टाउ के साथ, उसके वॉल्यूम एलिमेंट के साथ। फिर आपने क्या किया साई को रिप्लेस किया साई स्टार से, साई स्टार को साई को रिप्लेस किया साई स्टार से, और साई स्टार को रिप्लेस किया साई से, साई स्टार मेरा यहाँ पर आ गया, साई मेरा यहाँ पर आ गया। जब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, जब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मेरे ऑपरेटर के ऊपर मैंने क्या लगा दिया स्टार लगा दिया। ये इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है कि कब मेरा ऑपरेटर जो है वो हर्मिशियन होगा। हम लोग इस एक्सप्रेशन के थ्रू प्रूफ नहीं करने वाले हर्मिशियन को, ये मैं सिर्फ आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, जिस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे उसे हम बोलते हैं हर्मिशियन एडजॉइंट मेथड या फिर डैगर मेथड। जब उस मेथड को पढ़ेंगे वहाँ से हम लोग प्रूव करेंगे कौन सा ऑपरेटर मेरा हर्मिशियन होता है, कौन सा ऑपरेटर मेरा हर्मिशियन नहीं होता। चौथी प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको कुछ ऑपरेटर्स बताए थे, पोजीशन के, मोमेंटम के, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सारे के सारे ऑपरेटर क्या होते हैं हर्मिशियन होते हैं। दैट मींस आपके पोजीशन के, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, मोमेंटम के ऑपरेटर कैसे होने चाहिए, हर्मिशियन होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग उसको भी हर्मिशियन प्रूव करेंगे, जब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ऑपरेटर हर्मिशियन कैसे प्रूव करते हैं, वहाँ पर आपके हर्मिशियन के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब थोड़े थोड़े क्लियर होने लग जाएंगे। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे में समझ में आने लगते हैं, अभी तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं। तो डी टाउ को मेरा क्या था वॉल्यूम एलिमेंट था, डी एक्स का मेरा 1D के लिए हो गया, डी एस डी वाई 2D के लिए हो गया, डी एस डी वाई डी जेड क्या हो गया 3D के लिए हो गया। मैं बात कर रहा हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट आएंगे तो वहाँ पर आपका डी टाउ क्या हो जाएगा डी थीटा और डी आर डी थीटा और डी फाई हो जाएगा। उसकी हम बात करेंगे जब हम लोग पार्टिकल 1D बॉक्स पढ़ेंगे, जब हम लोग उसके बाद हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे तब हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। अभी के लिए मैंने इसको आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि आखिर डी टाउ है क्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि आप मैंने जो यहाँ पर साई स्टार यूज किया इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका है फंक्शन साई का। अगर मैं जी स्टार लिखा मतलब क्या हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका है जी का। अगर मैं ए स्टार लिख रहा हूँ एक कॉन्जुगेट मतलब क्या हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका है ऑपरेटर का। और जब भी मैं किसी फंक्शन के ऊपर कॉन्जुगेट लगाता हूँ तो उस फंक्शन के अंदर जितना भी इमेजिनरी पार्ट है, अगर जितना भी आयोटा लिखा हुआ तो हमें उस आयोटा जगह लगाना है माइनस आयोटा लगाना है। अगर मैं आपसे 5 का कॉन्जुगेट पूछूंगा तो वो 5 ही होगा, अगर मैं आपसे 5 आयोटा का पूछूंगा तो क्या होगा कॉन्जुगेट, उसके ऊपर आपको क्या लगाना है आयोटा जगह करना है, आयोटा को रिप्लेस करना है माइनस आयोटा। जब भी आप किसी फंक्शन का चाहे वो कॉन्स्टेंट फंक्शन हो या फिर किसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो तो उस फंक्शन को जब भी आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो जितना भी उसका इमेजिनरी पार्ट होता है जहां जहां पर आयोटा होता है वहां पर आपको क्या लगाना होता है माइनस आयोटा लगाना होता है। जब भी आप किसी फंक्शन का कॉन्जुगेट निकाल रहे होते हो तो उस फंक्शन के अंदर जितने भी इमेजिनरी पार्ट होता है जहां जहां पर आयोटा होता है उस आयोटा को आपको माइनस आयोटा के साथ रिप्लेस कर देना होता है, तो आपका कॉन्जुगेट निकल कर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि आखिर हम लोग कैसे चेक करते हैं हर्मिटिसिटी कि कौन सा फंक्शन मेरा हर्मिशियन है कौन सा फंक्शन मेरा हर्मिशियन नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से दो टाइप के बनते हैं, या तो आपको वो चार ऑप्शन दे देगा पूछ लेगा कि कौन सा हर्मिशियन है, या फिर वो आगे से कोई फंक्शन दे देगा आपको बोलेगा कि हर्मिशियन है या नहीं है। तो आपको ले देकर प्रूव करना है कि कौन सा ऑपरेटर आपका हर्मिशियन होता है कौन सा ऑपरेटर आपका हर्मिशियन नहीं होता। तो टू चेक हर्मिसिटी ऑफ एन ऑपरेटर वी यूज हर्मिशियन एडजॉइंट मेथड या फिर डैगर मेथड। आप उसको हर्मिशियन एडजॉइंट मेथड बोल लो या फिर डैगर मेथड बोलो। डैगर को रिप्रेजेंट करते हो किसी से ऐसे डंडे से और कट मार दो, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो डैगर। डैगर हमारा क्या होता है इस तरीके का डैगर होता है। तो आपको डैगर को पढ़ना है, अगर आप डैगर के थ्रू आप बता सकते हो कि कौन सा ऑपरेटर आपका हर्मिशियन है कौन सा ऑपरेटर आपका हर्मिशियन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हर्मिशियन एडजॉइंट का। वो होता है हमारे पास अगर आप ए के ऊपर डैगर लगाओगे तो उसको आप लिख सकते हो ए का ट्रांसपोज उसका कॉन्जुगेट, टी मेरा क्या है ट्रांसपोज है, स्टार मेरा क्या है कॉन्जुगेट है, ये मेरा क्या है ये मेरा डैगर है। हालांकि हम इसका यूज नहीं करेंगे लेकिन ये सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आपको पता होना चाहिए कि कैसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सबसे पहले दिया गया था हर्मिशियन ऑपरेटर का कंसेप्ट दिया था हर्माइट ने। हर्मिशियन ऑपरेटर का कंसेप्ट दिया था हर्माइट ने, उसका जो पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उसने इस तरीके से उसको लिखा था, लेकिन इस तरीके से उसने प्रूफ नहीं किया हर्मिशियन को ऑपरेटर को हर्मिशियन। उसने किस तरीके से प्रूफ किया उसकी बात करते हैं। एन ऑपरेटर इज सेट टू बी हर्मिशियन व्हेन ए का डैगर क्या हो जाए ए के बराबर हो जाए। अगर किसी ऑपरेटर के ऊपर आप डैगर लगा रहे हो और डैगर लगाने से वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं कर रहा हो, ए का डैगर अगर ए के बराबर आ जाए तो आप उसे बोलोगे हर्मिशियन।
अगर ए का डैगर माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसे आप बोलोगे एंटी हर्मिशियन। किसी भी ऑपरेटर के ऊपर अगर आप डैगर लगा रहे हो और आपके पास वही ऑपरेटर निकल कर आ जाए तो आप उसे क्या बोलोगे, हर्मिशियन ऑपरेटर है वो मेरा। अगर आप किसी ऑपरेटर के ऊपर डैगर लगा रहे हो और आपके पास नेगेटिव ऑफ दैट ऑपरेटर निकल कर आ जाए तो आप क्या बोलोगे, वो ऑपरेटर आपका एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है। अब देखते हैं कि आप लोग डैगर को किस तरीके से यूज़ करते हो, डैगर को किस तरीके से एक्सपेंड करते हो, फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर पढ़ने के बाद आप जब इसका यूज़ करोगे तो फीचर्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दो टाइप के। आपको सिर्फ ऑपरेटर की हर्मिटिसिटी को चेक करना होता है। चेक आप करते हो हर्मिशियन एडजॉइंट मेथड से या फिर डैगर मेथड से। डैगर मेथड को पढ़ने के लिए आपको डैगर के फीचर पता होने चाहिए। डैगर के फीचर की चलो बात कर लेते हैं कि आखिर जनरल फीचर क्या होते हैं। आप जनरल प्रॉपर्टी बोल लो या फिर जनरल फीचर बोल लो ऑफ डैगर। तो फीचर आपके पास ये होता है, ए डैगर का डैगर क्या होता है, ए ए डैगर का डैगर क्या होगा, ए होगा मेरा। ए डैगर का डैगर ए होता है। ए बी का डैगर क्या होता है, बी डैगर, ए डैगर। अगर मैं बोलूँ आपके पास तीन है तो ए बी सी का डैगर क्या हो जाएगा, सी का डैगर, बी का डैगर, ए का डैगर। रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर दो आप। ए बी का डैगर क्या हो गया, बी डैगर, ए डैगर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए प्लस माइनस बी का डैगर क्या हो गया, ए डैगर प्लस माइनस बी डैगर। ए प्लस माइनस बी का डैगर क्या हो गया, ए डैगर प्लस माइनस बी डैगर। उसके बाद आपके पास आपको बताया, अगर आपको पास किसी ऑपरेटर के साथ कोई कांस्टेंट अटैच है, यहाँ पर मेरा छोटा ये क्या है, कांस्टेंट है, ये मेरा क्या है, ऑपरेटर है। अगर आपको कांस्टेंट इनटू में ऑपरेटर का डायग्राम निकालना है तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है, जैसे ही वो बाहर निकलेगा आप उसके ऊपर क्या लगा दोगे, कॉन्जुगेट लगा दोगे, और ऑपरेटर के ऊपर क्या लगा दोगे, डायग्राम लगा दोगे। जैसे कि अगर आपके पास कोई फाइव इंटू में ए ऑपरेटर है और अगर आप इसका डायग्राम निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे, फाइव के ऊपर आप कॉन्जुगेट लगा दोगे और ए के ऊपर आप डैगर लगा दोगे। अगर आपके पास कोई ऑपरेटर है फाइव आयोटा इंटू में ए ऑपरेटर, अगर आप इसका डैगर लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, जो मेरा कांस्टेंट पार्ट है फाइव आयोटा का बाहर लिखोगे, फाइव आयोटा के ऊपर क्या लगाओगे, आप कॉन्जुगेट लगाओगे और ए के ऊपर आप क्या लगा दोगे, डैगर लगा दोगे। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई, ए डैगर का डैगर क्या होता है, ए डैगर का डैगर क्या होता है, ए होता है। उसके बाद क्या बताया, क्या बताया आपको, ए बी का डैगर क्या होता है, बी डैगर, ए डैगर। ए बी सी का डैगर क्या होता है, सी डैगर, बी डैगर, ए डैगर। उसके बाद ए प्लस बी का, ए प्लस माइनस बी का डैगर क्या होता है, ए डैगर प्लस माइनस बी का डैगर। उसके बाद आपने क्या देखा, अगर आपके पास कांस्टेंट इनटू में कोई ऑपरेटर का डैगर आप निकाल रहे हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा दो और ऑपरेटर के ऊपर क्या कर दो, डैगर को लगा दो। जब हम इसकी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी याद हो जानी, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं और कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टी है। उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, ए बी सी का डैगर क्या होता है, सी डैगर, बी डैगर, ए डैगर। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप डैगर लगाने के बाद यानी कि ए डैगर के ऊपर कोई पावर लगा रखी है आपने, या फिर आप डैगर लगा के पावर लगा लो या फिर पावर लगा के डैगर लगा लो, बात क्या है, सेम है। ए डैगर की पावर एन, ए डैगर के ऊपर पावर है एन, या फिर ए एन के ऊपर डैगर लगा हुआ है, बात क्या है, आपके पास सेम ही निकल कर आनी है। अगर आपके पास पावर नेगेटिव है तब भी आपका ये रूल वैलिड होगा। ए डैगर के ऊपर माइनस एन की पावर है तो क्या करोगे आप, ए के ऊपर माइनस एन की पावर लगा लो, फिर क्या लगा लो, डैगर लगा लो। अगली प्रॉपर्टी क्या है, डी बाई डी एक्स का डैगर क्या होता है, माइनस का डी बाई डी एक्स, और एक्स का डैगर क्या होता है, एक्स। डी बाई डी एक्स का डैगर क्या होता है, माइनस का डी बाई डी एक्स, एक्स का डैगर क्या होता है, एक्स होता है। तो कुल मिला के आपने अभी तक आठ प्रॉपर्टी पढ़ी डैगर की। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, ए डैगर का डैगर ए। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी, ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी का डैगर क्या होता है, आपके पास ए डैगर प्लस माइनस बी डैगर। उसको आपने क्या देखा, ए बी डैगर, ए बी का डैगर क्या होता है, बी डैगर, ए डैगर। फिर आपने देखा ए बी सी का डैगर क्या होता है, सी डैगर, बी डैगर, ए डैगर। फिर आपने देखा अगर पास कोई कांस्टेंट और ऑपरेटर का डैगर आप निकाल रहे हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, उसके ऊपर क्या लगा दो, कॉन्जुगेट लगा दो, और ऑपरेटर के ऊपर क्या लगा दो, डैगर लगा दो। फिर आपने देखा कि अगर आपके पास ए डैगर के ऊपर कोई पावर लगी हुई है तो आप डैगर के बाद पावर लगाओ या पावर के बाद डैगर लगाओ, रिजल्ट आपके पास सेम निकल कर आएगा। पावर अगर आपके पास नेगेटिव के अंदर दी गई तब भी रिजल्ट क्या होगा, वैलिड होगा। ए डैगर के ऊपर मेरी पावर माइनस की एन है, या फिर आप क्या करो, इसको ए के ऊपर पहले माइनस की एन की पावर लगाओ, उसके ऊपर डैगर लगा लो, या फिर ए डैगर लगाने के बाद उसके ऊपर माइनस की एन पावर लगा लो, रिजल्ट आपके पास क्या निकल कर आएगा, सेम निकल कर आएगा। फिर आपने दो वैल्यू याद की डैगर की, कौन कौन सी वैल्यू याद की, आपने याद किया डी बाई डी एक्स का डैगर क्या होता है, माइनस का डी बाई डी एक्स होता है। उसके बाद आपने याद किया कि एक्स का डैगर क्या होता है, एक्स ही होता है। तो अब देखिए हम किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। अभी तक आप लोग कह रहे थे कि आपने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे, पोजीशन के, मोमेंटम के, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, और फिर आप कह रहे हो कि ऑपरेटर जितने भी होते हैं क्वांटम में इसके सारे क्या होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। इसका मतलब जो ऑपरेटर हमने पढ़ा मोमेंटम का वो क्या होगा, हर्मिशियन होगा। तो चलिए उसको प्रूव करते हैं कि जो आपका पी एक्स है वो क्या है, हर्मिशियन है। प्रूव हम कैसे करेंगे, हर्मिशियन एडजॉइंट मेथड से प्रूव करेंगे या फिर डैगर मेथड से प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करते हैं, ऑपरेटर के ऊपर डैगर लगा दो, अगर सेम ऑपरेटर निकल कर आ गया इसका मतलब आपका जो ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो अगर हम पी एक्स को हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूव करें तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है अगर आप पी एक्स के ऊपर डैगर लगाओगे तो आपका पी एक्स निकल कर आएगा।
तो चलिए इसके ऊपर डैगर लगाकर देखते हैं। पी एक्स के ऊपर डैगर लगाया मैंने, पी एक्स कर दिया, खोल दिया। पी एक्स मेरा क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स मैंने यहाँ पर खोल दिया। तो माइनस आयोटा एच कट आपका क्या है, ये तो आपका क्या है, आपका कॉन्स्टेंट है, और डी बाई डी एक्स आपका क्या है, ये तो आपका क्या है, ऑपरेटर है। तो अभी अभी आपने एक फीचर पढ़ा था डैगर का, क्या था, अगर आपके पास कोई कॉन्स्टेंट हो और कोई ऑपरेटर हो, उसका डैगर आप निकाल रहे हो, तो कॉन्स्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट लग जाएगा, और ऑपरेटर के ऊपर क्या लग जाएगा, डैगर लग जाएगा। तो आयोटा एच कट मैंने बाहर निकाल दिया, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, कॉन्जुगेट लगा दिया, डी बाई डी एस बाहर निकल के आगे क्या लग दिया, डैगर आपने यहाँ पर लिख दिया। जब मैं आयोटा एच कट का कॉन्जुगेट लिखूंगा तो मेरे को आयोटा की जगह क्या लगाना है, माइनस का आयोटा लगाना है। तो जब मैं आयोटा एच कट का कॉन्जुगेट देखूंगा तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, माइनस ऑफ आयोटा, जब मैंने क्या लगाया, माइनस का आयोटा लगाया, और फिर मैंने क्या लगा दिया, एच कट लगा दिया, माइनस माइनस मेरा क्या बन गया, प्लस बन गया। तो क्या निकल कर आ गया, आयोटा एच कट निकल कर आ गया। तो भाई मैंने क्या लगाया, आयोटा एच कट लिख दिया मेरा, ऐसा क्या है, ये इसका कॉन्जुगेट है। डी बाई डी एस डैगर क्या होता है, माइनस का डी बाई डी एक्स होता है, माइनस यहाँ से बाहर निकाल दो क्या आ गया, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, ये तो आपका क्या होता है, ये तो आपका पी एक्स होता है। तो देखा आपने, आपने पी एक्स के ऊपर डैगर लगाया, आपके पास पी एक्स ही निकल कर आ गया। इसका मतलब जो आपका पी एक्स है, जो आपका मोमेंटम का ऑपरेटर है, वो क्या है, वो आपका हर्मिशियन ऑपरेटर है, वो आपका क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। इसी तरीके से आप पी वाई को भी प्रूव कर सकते हो, पी जेड को भी प्रूव कर सकते हो। अब देखते हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर था वो हमारा हर्मिशियन है कि नहीं है। तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर था वो क्या था, माइनस का एच कट स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर था। अगर आपको ये देखना है कि हर्मिशियन है या नहीं, तो उसके ऊपर क्या लगा दो, आप डैगर लगा दो। मैंने के एक्स के ऊपर डैगर लगा दिया, के एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में टू एम इंटू में डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये तो मेरा कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया, उसके ऊपर मैंने कॉन्जुगेट लगा दिया, ऑपरेटर के ऊपर मैंने डैगर को लगा दिया। अब मैंने इस कॉन्जुगेट किया, इस कॉन्स्टेंट के अंदर मेरा कहीं भी आयोटा वाला पार्ट नहीं है, तो कॉन्स्टेंट यानी कि रियल वैल्यू का कॉन्जुगेट क्या होता है, सेम वैल्यू देगा। तो माइनस का एच कट स्क्वायर बाई टू एम कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस का एच कट स्क्वायर बाई टू एम ही होगा, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। डेल स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर मैंने कैसे लिखा, मैंने इसको लिख दिया डेल बाई डेल एक्स इंटू में डेल बाई डेल एक्स का डैगर, इसको आप ए बोल दो, इसको आप बी बोल दो। कैसे खोलोगे आप इसको, ए बी डैगर क्या होता है, बी का डैगर, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे ए का डैगर। ए बी डैगर क्या होता है, बी डैगर ए डैगर, ए बी सी डैगर क्या होता है, सी डैगर बी डैगर ए डैगर। तो ए बी डैगर क्या हो गया, बी डैगर ए डैगर, यहाँ पर क्या हो गया, डेल बाय डेल एस, डेल बाय डेल एस का डैगर। तो क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एस का डैगर, डेल बाय डेल एस का डैगर। उस तरीके मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, डेल बाय डेल एस का डैगर तो आपको पता ही क्या होता है, माइनस का डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एस का डैगर क्या होता है, माइनस का डेल बाय डेल एक्स, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव, बाहर एक माइनस पहले से था तो माइनस से रिजल्ट आ जाएगा, क्या बस रिजल्ट में, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय टू एम डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये तो मेरा क्या होता है, ये तो मेरा के एक्स होता है। तो अगर आपने के एक्स के ऊपर डैगर लगाया तो आपके पास रिजल्ट निकल के एक्स ही आ गया। इसका मतलब जो आपका ऑपरेटर है वो क्या है, वो तो आपका हर्मिशियन ऑपरेटर है। आपने मोमेंटम को प्रूव कर दिया हर्मिशियन, आपने काइनेटिक एनर्जी को प्रूव कर दिया हर्मिशियन, आपने पोजीशन को भी प्रूव कर दिया हर्मिशियन। पोजीशन को आपने कब किया प्रूव, जब आपने आठवां फीचर पढ़ा था, इसका क्या था, एक्स का डैगर क्या होता है, एक्स होता है, उस तरीके से वाई का डैगर क्या होगा, वाई होगा, उसी तरीके जेड का डैगर क्या होगा, जेड होगा। तो आपने जो ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, आपने उसको हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूफ भी कर दिया। तो चलिए देखते हैं, अगर आपके पास कोई जनरल ऑपरेटर गिवन हो तो आप उसकी हर्मिटिसिटी कैसे चेक करते हो। मान लो मैंने यहाँ पर पांच ऑपरेटर लिखे हुए हैं, डेल बाय डेल एक्स लिख दिया, आयोटा डेल बाय डेल एक्स लिख दिया, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर लिख दिया, आयोटा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर लिख दिया, डेल क्यूब बाय डेल एक्स क्यूब लिख दिया, तो इसकी आप हर्मिटिसिटी कैसे चेक करोगे। चेक करने का तरीका आपके पास एक ही है, हर्मिशियन एडजॉइंट मेथड बोल लो या डैगर मेथड बोल लो, करना आपको यही है, आपको ऑपरेटर के ऊपर डैगर लगाना है, डैगर के फीचर से उसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद अगर आपके पास ऑपरेटर निकल कर आ गया, इसका मतलब आपके पास जो ऑपरेटर गिवन था वो क्या था, वो आपके पास हर्मिशियन ऑपरेटर था। तो चलिए हम यूज़ करते हैं पहला। जब हम पहला ऑपरेटर लिखेंगे, मैंने क्या लिखा, डेल बाय डेल एक्स के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ऑपरेटर लगा दिया। आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है इसे क्या होती है, माइनस का डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स के ऊपर लगाया, रिजल्ट क्या निकल के आया, माइनस के। मतलब ये क्या है आपके पास, ये आपके पास एंटी हर्मिशियन है। आपने ऑपरेटर के ऊपर डैगर लगाया और आपके पास माइनस ए निकल कर आया, ये क्या होता है, ये होता है एंटी हर्मिशियन। यानी कि ये जो ऑपरेटर है आपके पास, ये कैसा है, एंटी हर्मिशियन है। अब हम देखते हैं अगला ऑपरेटर आपके पास क्या निकल कर आएगा। अगला है आयोटा इंटू में डेल बाय डेल एक्स, आयोटा इंटू में डेल बाय डेल एक्स के ऊपर मैंने क्या लगाया, डैगर लगा दिया। आयोटा मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट है, मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, कॉन्जुगेट लगा दूंगा। ऑपरेटर के मैंने क्या लगा दिया, डैगर लगा दिया। आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। डेल बाय डेल एक्स का डैगर क्या होता है, माइनस का डेल बाय डेल एक्स होता है। माइनस माइनस मेरा क्या बन गया, प्लस, मैंने क्या निकल कर आया, आयोटा इंटू में डेल बाय डेल एक्स, आयोटा डेल बाय डेल एक्स से चले थे, उसके ऊपर डैगर लगाया, रिजल्ट निकल कर आया, आयोटा डेल बाय डेल एक्स जहाँ से चले थे वहीं पहुंच गए। इसका मतलब मेरा ऑपरेटर क्या है, ये ऑपरेटर मेरा हर्मिशियन है।
इसी तरीके से आप चेक करते हो हरमिशन की आपका ऑपरेटर हरमिशन है या नहीं है। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला ऑपरेटर हमारे पास क्या था, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसके बाद मैंने क्या लगा था, डैगर लगा दिया। फिर मैं इसको कैसे सकता, मैं इसको लिखता हूँ डेल बाय डेल एक्स इंटू में डेल बाय डेल एक्स का डैगर। इसको क्या बोलो आप, ए बोलो। इसको क्या बोलो आप, बी बोलो। ए बी का डैगर क्या होता है, ए बी का डैगर तो होता है मेरे बी डैगर ए डैगर, ये आपका होता है ए डैगर बी डैगर। ए बी डैगर क्या होता है, बी डैगर ए डैगर। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका डैगर लिख दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, इसका डैगर लिख दिया। डेल बाय डेल डेगर क्या होता है, माइनस का डेल बाय डेल एक्स। डेल एक्स बाय डेल डेगर माइनस का डेल बाय डेल एक्स। माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। रिजल्ट आ गया आपके पास डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर से चले थे, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर आपका आ गया। इसका मतलब ये ऑपरेटर क्या आपके पास, ये ऑपरेटर आपके पास हर्मिशियन ऑपरेटर है। हर्मिटिसिटी को चेक करने का आपके पास एक ही तरीका है, आप यूज करते हो हर्मिशियन एडजॉइंट मेथड या फिर डैगर मेथड। उस मेथड के अंदर आप ऑपरेटर के ऊपर डैगर को लगाते हो, डैगर का यूज करते हुए उस ऑपरेटर को खोलते हो, लास्ट में उसकी वैल्यू को पुट करते हुए चले जाते हो। आपको लास्ट के अंदर निकल कर आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स का डैगर, उसकी वैल्यू आपको पता है माइनस का डेल बाय डेल एक्स। उस वैल्यू को पुट करते जाइए, फिर आप लास्ट में जाकर चीज़ों को खोल दीजिए। तो अगर आपके पास वही ऑपरेटर निकल कर आ गया, इसका मतलब जो आप ऑपरेटर यूज कर रहे हो, जिसका आप चेक कर रहे हो, आपके पास क्या है, हर्मिशियन है। अगर आपके पास उसका नेगेटिव निकल कर आया, इसका मतलब क्या है आपके पास, वो आपके पास एंटी हर्मिशियन है। तो चलिए अगला चेक करते हैं। अगला पर क्या गिवन आपके पास, आयोटा इंटू में डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो ये तो आपके पास कॉन्स्टेंट है, ये तो आपके पास ऑपरेटर है। अगर आपके पास कॉन्स्टेंट ऑपरेटर का डैगर करते हो, तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिया, क्या कर दिया, कॉन्जुगेट लगा दिया। ऑपरेटर के ऊपर क्या लगा दिया, डैगर लगा दिया। आयोटा कॉन्जुगेट क्या हो गया, माइनस का आयोटा हो गया। डेल स्क्वायर कैसे सकते हो, डेल बाय डेल एक्स कर लेते हो, डेल बाय डेल एक्स का डैगर कर दो। ये आपके पास क्या है, ए है। ये आपके पास क्या है, बी है। ए बी का डैगर क्या होता है, बी डैगर ए डैगर। तो आपने क्या किया यहाँ पर, डेल बाय डेल एक्स का डैगर कर दिया। और फिर आपने क्या किया, डेल बाय डेल एक्स का डैगर कर दिया। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई, क्या लिखी हुई है, डेल बाय डेल माइनस का डेल बाय डेल एक्स, माइनस का डेल बाय डेल एक्स। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, एक माइनस यहाँ से बाहर आया हुआ। तो क्या आ गया आपके पास, माइनस ऑफ आयोटा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। शुरू किया था आपने प्लस आयोटा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर से, आपके पास निकला माइनस आयोटा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये ऑपरेटर आपके पास क्या है, ये ऑपरेटर आपके पास एंटी हर्मिशियन है। ये ऑपरेटर आपके पास क्या है, एंटी हर्मिशियन है। चलो अब हम देखते हैं लास्ट ऑपरेटर जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। तो लास्ट आपके पास क्या था, डेल क्यूब बाय डेल एक्स क्यूब। इसको आप लिख सकते हो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स। इसको आप ए बोल लो, इसको बी बोल लो, इसको आप सी बोल लो। ए बी सी का डैगर क्या होता है, ए बी सी का डैगर क्या होता है, सी डैगर बी डैगर ए डैगर। क्या करोगे आप, डेल बाय डेल एक्स का डैगर, डेल बाय डेल एक्स का डैगर, डेल बाय डेल एक्स का डैगर। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का डेल बाय डेल एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का डेल बाय डेल एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का डेल बाय डेल एक्स। माइनस 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 तीन माइनस क्या आ गया, बाहर माइनस आ जाएगा। क्या हो गया, माइनस का डेल क्यूब बाय डेल एक्स क्यूब। प्लस के डेल क्यूब बाय डेल एक्स क्यूब से चले थे, माइनस का डेल क्यूब बाय डेल एक्स क्यूब आ गया। इसका मतलब जो आपका ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है। वो कैसा है, वो आपका एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो इस तरीके से आप लोग यूज़ करते हो, इस तरीके से आप लोग यूज़ करते हो डैगर मेथड को, किसी भी ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूव करने के लिए, किसी भी ऑपरेटर को एंटी हर्मिशियन प्रूव करने के लिए। आपके पास जितने भी क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं सीएसआईआर नेट के अंदर या गेट के अंदर हर्मिटिसिटी को प्रूव करने के लिए, उसको आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप अभी के लिए। लेकिन आप कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ लो हर्मिटिसिटी की, उसके बाद आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे, क्योंकि वहाँ से प्रॉपर्टीज से आप डायरेक्टली बता पाओगे कि आपके पास कौन सा ऑपरेटर हर्मिशियन है, कौन सा ऑपरेटर हर्मिशियन नहीं है। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर की, आखिर प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो मेरे पास क्या लिखी हुई यहाँ पर, समेशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। स्टेटमेंट वाइज याद करनी है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि समेशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। ये आप कह को अब मैं चलो इसको प्रूव करते हैं, कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसको। आपके पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है, ये एक तरह से थ्योरम है, हर्मिटिसिटी की थ्योरम है। तीन थ्योरम है आपके पास, तीनों थ्योरम को आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। तीनों थ्योरम बहुत ही इजी थ्योरम है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। प्रूफ कराता हुआ चलूंगा एक थ्योरम के साथ साथ, आपको याद भी कराता हुआ चलूंगा साथ साथ। पहली थ्योरम क्या है, सबमिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। यानी कि स्टेटमेंट में आपको क्या गिवन है, आपके पास कोई दो ऑपरेटर है जो क्या है, हर्मिशियन है। तो मैंने अपनी तरफ से कोई भी दो ऑपरेटर मान लिए, मैंने मान लिया कि आपके पास कोई ए ऑपरेटर है, मैंने मान लिया कि आपके पास बी ऑपरेटर है, दोनों मेरे पास क्या है, हर्मिशियन है। अगर ये दोनों मेरे ऑपरेटर मेरे पास हर्मिशियन, का मतलब क्या हुआ, ए डैगर मेरा क्या होता है, ए के बराबर होगा, बी डैगर मेरा क्या होगा, बी के बराबर होगा। क्योंकि मेरे पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि आपके पास कोई दो हर्मिशियन ऑपरेटर है, अगर मेरे वो हर्मिशियन ऑपरेटर है, इसका मतलब उसका डैगर लगाऊंगा तो मेरे पास वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, ए का डैगर ए रहेगा, बी का डैगर बी रहेगा। तो मैंने ये किसमें लिख दिया, गिवन कंडीशन के अंदर लिख दिया। ये आपके पास क्या है, गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि सबमिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ दीज टू हर्मिशियन ऑपरेटर जो आप कंसिडर कर रहे हो वो भी क्या है, हर्मिशियन है। यानी कि आपको प्रूफ करना है ए प्लस माइनस बी जो ऑपरेटर है ये भी क्या है, हर्मिशियन है। कैसे प्रूव करोगे, प्रूव करने का तरीका एक ही है, हर्मिशियन एडजॉइंट मेथड बोल लो या डैगर मेथड बोल लो। क्या करोगे, ऑपरेटर के ऊपर डैगर लगाओगे, देखोगे। आपको प्रूव करना है कि आपका ये ऑपरेटर क्या है,
ए प्लस माइनस बी ऑपरेटर हर्मिशियन है, तो क्या करोगे इसके ऊपर डैगर लगा दो। ए प्लस माइनस बी क्या लगाया, डैगर लगाया। आपने पढ़ा था कि ए प्लस माइनस बी का डैगर क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास ए डैगर प्लस माइनस बी का डैगर। तो मैंने इसको यहाँ पर खोल दिया, ए डैगर प्लस माइनस बी का डैगर। ए का डैगर आपके पास क्या है, क्योंकि आपको ए हर्मिशियन गिवन है। बी डैगर क्या आपके पास, बी है क्योंकि आपको बी हर्मिशियन गिवन है। तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस माइनस बी। आप ए प्लस माइनस बी से चले थे, ए प्लस माइनस बी आपका आ गया डैगर लगाने के बाद, इसका मतलब ए प्लस माइनस बी क्या है, हर्मिशियन है। तो इस थ्योरम को आप एज इट इज याद कर लो कि समेशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। प्रूफ मैंने आपको करा दिया, दो आपको ऑपरेटर लेने हैं अपनी तरफ से, ए ऑपरेटर ले लो बी ऑपरेटर ले लो, अगर वो दोनों हर्मिशियन है इसका मतलब ए डैगर क्या है, ए के बराबर है, बी डैगर क्या है, बी के बराबर है। आपको प्रूफ करना है समेशन एंड सब्सट्रैक्शन क्या है, हर्मिशियन है। आपको प्रूफ करना है ए प्लस माइनस बी का डैगर क्या है, हर्मिशियन है। तो आप क्या लगाओगे, आप उसको ए प्लस बी माइनस के ऊपर डैगर लगा दोगे। अगर आपके पास ए प्लस माइनस बी का डैगर इक्वल टू ए प्लस माइनस बी के बराबर आ गया, इसका मतलब ए प्लस माइनस बी क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो मैंने यहाँ पर a प्लस माइनस बी के ऊपर ऑपरेटर लगाया, डैगर का मैंने फीचर का यूज़ किया। a प्लस माइनस बी का डैगर क्या होता है, a डैगर प्लस माइनस b का डैगर। a डैगर तो मेरा a है क्योंकि a हर्मिशियन है, b डैगर तो मेरा b है क्योंकि हर्मिशियन है। तो a प्लस माइनस b चले थे, a प्लस माइनस b आ गया, इसका मतलब a प्लस माइनस b क्या है आपका, a प्लस माइनस b आपका हर्मिशियन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। अभी तक आपने पढ़ी प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की और मल्टीप्लीकेशन, अभी तक हमने पढ़ी सब्सट्रैक्शन की और एडिशन की, अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन की। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन व्हेन दे कम्यूट। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन व्हेन दे कम्यूट। जब दो ऑपरेटर का मल्टीप्लीकेशन तभी हर्मिशियन होगा, दो हर्मिशियन ऑपरेटर का मल्टीप्लीकेशन तभी हर्मिशियन होगा जब वो दोनों क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। तो चलो इसको हम प्रूफ करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई दो ऑपरेटर है, ए ऑपरेटर है, बी ऑपरेटर, दोनों क्या है, हर्मिशियन है। अगर हर्मिशियन है तो ए का डैगर क्या हो गया, ए के बराबर हो गया, बी का डैगर क्या हो गया, बी के बराबर हो गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन दे कम्यूट, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन व्हेन दे कम्यूट। अगर ये कम्यूट कर रहे हैं, अगर आपका ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, तो ये तो मेरा क्या हो गया, तो मेरा जीरो हो गया। इसको आप कैसे लिखते हो, इसको आप लिखते हो ए बी माइनस बी ए, तो ये मेरा क्या हो गया, तो मेरा जीरो हो गया, यानी कि ए बी आपका क्या हो गया, बी ए के बराबर हो गया। तो ये कंडीशन भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, क्या ए बी इक्वल टू बी ए बी आपको गिवन है। आपके पास तीन चीज यहाँ पर गिवन है, आपके पास ए और बी दो ऑपरेटर गिवन है, दोनों क्या हर्मिशियन गिवन है। अगर वो हर्मिशियन गिवन तो ए का डैगर ए के बराबर, बी का डैगर बी के बराबर। और आपको ये भी गिवन है कि वो दोनों ऑपरेटर क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए है। आपको प्रूव करना है कि आपका जो ए बी है वो क्या है, हर्मिशियन। आपको प्रूव करना है जो आपका ए बी है वो क्या है, हर्मिशियन है। तो कैसे प्रूव करोगे, ए बी के ऊपर डैगर लगा दो, ए बी के ऊपर डैगर लगा दो। ए बी का डैगर क्या होता है, बी डैगर, ए डैगर, बी डैगर, बी का डैगर क्या है, बी ए, क्योंकि हर्मिशियन है। ए का डैगर क्या है, ए है क्योंकि हर्मिशियन है। अगर मैं बी ए को ए बी, अगर आप बी ए को ए बी कर दो, अगर आप बी इक्वल टू ए बी कर दो, तो आपका क्या आ गया, आप ए बी से चले थे, ए बी आपका आ गया और एक तो हर्मिशियन आपने प्रूव कर दिया। लेकिन आप बी ए को ए बी, लेकिन आप बी ए को ए बी तभी तो लिख सकते हो जब बी ए आपका ए बी के इक्वल हो। बी ए अगर आपका ए बी के इक्वल हो, इसका मतलब ए बी माइनस बी ए क्या है, जीरो है। इसका मतलब ए और बी क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। चीज़ों को समझते हुए चलो, मैं आपको कह रहा हूँ कि ए बी का डैगर क्या होता है, बी डैगर ए डैगर, बी डैगर होता है बी के बराबर, ए डैगर होता है ए के बराबर। तो ए बी का डैगर मेरा आ गया इक्वल टू बी और ए। अगर आप इसको ए बी के बराबर लिखना चाहते हो, इसका तभी तो आप इसको लिख सकते हो जब आपके दोनों इक्वल हो। ये इक्वल कब हो गए, जब ए और बी क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, क्योंकि कम्यूट की यही तो प्रॉपर्टी होती है। ए और बी कम्यूट अगर करें तो मतलब क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए क्या इक्वल टू जीरो है। अगर ए बी माइनस बी इक्वल टू जीरो तो क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी ए है। तो आप यहाँ पर थ्योरम नंबर टू को ध्यान समझिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर। अगर आपके पास कोई दो ऑपरेटर हर्मिशियन है, उनका मल्टीप्लीकेशन तभी हर्मिशियन होगा जब वो कम्यूट करेंगे। इन थ्योरम का यूज किस तरीके से करोगे, अगर मैं आपको पूछ लूँ, अगर मैं आपको, आपको पता है कि आपका जो एक्स ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन। आपको पता है कि जो आपका पी एक्स ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन है। क्या इन दोनों का एडिशन हर्मिशियन होगा, हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी हर्मिशियन, ये भी हर्मिशियन। थ्योरम नंबर वन मुझे कहती है कि एक्स हर्मिशियन और दो हर्मिशियन ऑपरेटर का सम क्या होता है, हर्मिशियन होता है। तो एक्स प्लस क्या पी एक्स आपके पास क्या हो गया, हर्मिशियन हो गया। क्या आपके पास पी एक्स ऑपरेटर प्लस में पी एक्स ऑपरेटर हर्मिशियन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, हर्मिशियन होता है। ये भी क्या होता है, हर्मिशियन होता है। और दो हर्मिशियन ऑपरेटर का समेशन क्या होता है, हर्मिशियन होता है। थ्योरम नंबर वन से मुझे पता है, मैंने वो प्रूफ भी करके देखी है। तो इस थ्योरम का आप इस तरीके से यूज करोगे। अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या आपका एक्स और पी एक्स का, एक्स और पी एक्स का, ये जो है x और px का ऑपरेटर जो है, क्या ये हर्मिशियन निकलेगा, तो इस चीज़ को आप कैसे देखोगे, a जो ऑपरेटर है ये आपके पास क्या है, ये तो आपके पास हर्मिशियन है, ठीक है। px क्या है, ये तो आपके पास हर्मिशियन है। लेकिन क्या x और px को म्यूट करते हैं, क्या x और px का कम्यूटर जीरो आता है, जीरो तो नहीं आता। हमने देखा था x और px की वैल्यू वैल्यू आती है, वैल्यू क्या आती है हमारे पास, नॉट इक्वल टू जीरो वैल्यू आती है हमारे पास प्लस आयोटा एक्स का, इसका मतलब एक्स पी एक्स आपके पास कोई ऑपरेटर है तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं होगा। आप डायरेक्टली थ्योरम का यूज करके बता सकते हो कि जो अगर आपका जो है एक्स पी एक्स ऑपरेटर है वो
हर्मिशियन नहीं होगा, लेकिन क्या एक्स और पी वाई का प्रोडक्ट, क्या एक्स पी वाई जो मेरा ऑपरेटर है क्या वो हर्मिशियन है, कैसे चेक करोगे, चेक कर सकते हो आप क्या आपका एक्स हर्मिशियन है, जी हाँ एक्स मेरा हर्मिशियन है, पी वाई आपका हर्मिशियन है, जी हाँ पी वाई आपका हर्मिशियन है, क्या ये दोनों कम्यूट करते हैं, क्या एक्स और पी वाई का जब आप चेक करते हो क्या कम्यूट करते हैं, जी हाँ ये कम्यूट करते हैं, क्यों, क्योंकि पोजिशन और मोमेंटम को देख रहे हैं और इनके कोऑर्डिनेट क्या है अलग अलग है। इस क्लास के लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, कम्यूटर बताए थे, जहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट क्या थे अलग अलग थे, अगर पोजिशन मोमेंटम का कम्यूटर आप निकाल रहे हो, कोऑर्डिनेट आपके अलग अलग हैं तो कम्यूट करेंगे वो, यानी कि इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स आपका एक्स पी वाई क्या है, हर्मिशियन है। क्यों हर्मिशियन है, क्योंकि एक्स भी हर्मिशियन है, पी वाई भी हर्मिशियन है, और एक्स और पी वाई कम्यूट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग थ्योरम का यूज़ भी करोगे, अभी आप लोग थ्योरम पढ़ लो, यूज़ कर करेंगे तो मैं आपको सबसे बताता हूँ चलूँगा कब हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। मैंने अभी आपका एग्जाम्पल बताया किस तरीके से आप लोग पी एक्स प्लस के एक्स को हर्मिशियन बोल सकते हो डायरेक्टली, जिस तरीके से आप एक्स पी एक्स को बोल सकते हो एंटी हर्मिशियन डायरेक्टली, किस तरीके से आप बोल सकते हो कि एक्स पी वाई मेरा हर्मिशियन है, आप लोग इन थ्योरम का यूज़ करोगे। चलो अगली थ्योरम और देख लेते हैं, अगली थ्योरम हमारे पास क्या है, कोमुटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन, कोमुटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन, कोमुटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन। पहले हम इसको प्रूव करते हैं, फिर वापस से इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगी लेकिन जब प्रूव कर लेंगे तब आप इजीली इस चीज़ को समझ पाओगे। मान लीजिए आपके पास कोई दो ऑपरेटर हैं, ए ऑपरेटर है, बी ऑपरेटर, दोनों क्या है हर्मिशियन है, ए अगर हर्मिशियन है तो क्या होगा, ए डैगर ए के बराबर हो गया, बी डैगर बी के बराबर हो गया। स्टेटमेंट आपसे कह रही है कोमुटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर, तो टू हर्मिशियन ऑपरेटर मान लीजिए, क्या मान लीजिए ए और बी मान लिया, अगर मेरे ए और बी हर्मिशियन तो क्या मतलब हो गया इसका, ए का डैगर क्या हो गया ए के बराबर, बी का डैगर क्या हो गया बी के बराबर, ये मैंने मान लिया। कोमुटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन, अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कोमुटेटर ऑफ टू एंटी हर्मिशियन, टू हर्मिशियन ऑपरेटर, ए भी हर्मिशियन है बी भी हर्मिशियन है, इसका कोमुटेटर मेरे पास क्या है एंटी हर्मिशियन, यानी कि आपको प्रूव करना है ए बी का डैगर इज इक्वल टू कोमुटेटर माइनस ऑफ ए बी के कोमुटेटर से, ये आपको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं, इसे कैसे प्रूव करेंगे, आपको प्रूव करना है कि ए बी कोमुटेटर क्या है एंटी हर्मिशियन है, अगर ये एंटी हर्मिशियन है तो जब आप इसके ऊपर डैगर लगाओगे तो बाहर क्या निकल कर आ जाएगा, माइनस निकल कर आ जाएगा। ए बी के कोमुटेटर, ए और बी का कोमुटेटर के ऊपर जब आप डैगर लगाओगे अगर वो माइनस ऑफ ए बी का कोमुटेटर निकल कर आ गया, इसका मतलब क्या है कोमुटेटर ऑफ ए और बी क्या है हमारे पास एंटी हर्मिशियन है, और ए और बी को मैं यहाँ पर हर्मिशियन लेकर चल रहा हूँ। तो जब मैं इसको प्रूव करूँगा कैसे प्रूव करूँगा, आप ए और बी के कोमुटेटर खोल लो, क्या होता है ए बी माइनस बी होता है, इसको आप ए बोल लो पूरे को, इसको आप पूरे को बी बोल लो, ए माइनस बी कोमुटेटर क्या होता है ए माइनस बी का कोमुटेटर क्या होगा, ए माइनस बी का डैगर क्या होगा, क्या होता है आपके पास ए डैगर माइनस का बी डैगर होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो ए बी का डैगर माइनस बी ए का डैगर, फिर आपको पता है बी डैगर क्या होगा बी डैगर ए डैगर, फिर आपको पता है बी डैगर क्या होगा ए डैगर बी डैगर, आपको इस तरीके से खोल दिया, आपने ए और बी को कैसा लेट किया था हर्मिशियन ऑपरेटर लेट किया था, बी डैगर क्या होगा बी के बराबर हो गया, ए डैगर क्या होगा ए के बराबर हो गया, ए डैगर क्या होगा ए के बराबर हो गया, बी डैगर क्या होगा बी के बराबर हो गया, माइनस को कॉमन ले लो, क्या बच गया अंदर ए बी माइनस बी बचे तो क्या हो गया ये तो इसको मैं इस तरीके से देखूँ क्योंकि मेरा क्या होता है सेम ही तो होता है, कोमुटेटर ऑफ ए बी क्या होता है ए बी माइनस बी ए होता है, तो इसको तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो आप चले थे कोमुटेटर ऑफ ए बी के साथ, निकल के आया आपके पास माइनस ऑफ कोमुटेटर ऑफ ए और बी, इसका मतलब कोमुटेटर ऑफ दो हर्मिशियन ऑपरेटर, कोमुटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन, इस स्टेटमेंट को भी आप याद कर लो डायरेक्टली, ये मैंने आपको प्रूव भी कराया। स्टेटमेंट को याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, थ्योरम को याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, हम सारे थ्योरम को प्रूव करते हुए चल रहे हैं, आप सारे थ्योरम को यहाँ पर प्रूव करते हुए चल रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन को भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसको याद करना मुश्किल नहीं है। चीज़ों को बार बार बोलना सीखिए, क्वांटम केमिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसको बार बार बोलना सीख लिए, बार बार बोल बोल के उसको याद करिए, बार बार बोल बोल के उसको याद करिए, थ्योरम आपको याद करने में मिशन। पहले थ्योरम क्या है, सबमिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन, सबमिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। सेकंड थ्योरम क्या है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन व्हेन दे कम्यूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन व्हेन दे कम्यूट, ये आपकी सेकंड थ्योरम थी। थर्ड थ्योरम के पास क्या है, थर्ड थ्योरम आपको बोल रही है द कोमुटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन, हमने अभी जस्ट इसको प्रूव भी किया है। आप इस थ्योरम को इस तरीके से बोल लीजिए, या फिर आप इसको बोल सकते हो एंटी कोमुटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन, एंटी कोमुटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। जब मैंने आपको कोमुटेटर बताए थे तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपका ए और बी कम्यूट करें यानी कि जीरो हो तो इसे हम क्या बोलते हैं कम्यूट करना बोलते हैं, अगर आपका ए और बी का कम्यूटेटर नॉन इक्वल टू जीरो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कम्यूट करना, इसे हम क्या बोलते हैं नॉन कम्यूट बोलते हैं। और एक मैंने आपको वहां बताया था एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट क्या होता है जब आपका ए और बी आपको इस तरीके से लिखते हो, उसको किस तरीके से एक्सपेंड करते हो, आप इसको करते हो ए बी प्लस बी ए, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है एंटी कम्यूट,
कम्यूटेटर को आप कैसे खोलते हो, आप ए बी को कैसे खोलते हो, आप ए बी को खोलते हो ए बी माइनस बी ए। लेकिन एंटी कम्यूटेटर को आप कैसे खोलते हो, एंटी कम्यूटेटर को आप खोलते हो, इसको पहले लिखते कैसे हो, आप छोटा सा प्लस लगाते हो, कैसे लिखते हो ए बी प्लस बी ए। जब मैंने आपको कम्यूटेटर पढ़ाए थे मैंने आपको वहाँ पर लिखना सिखाया था। अगर गाइस आपने अभी तक कम्यूटेटर को सीरियसली नहीं लिया, अगर आपने अभी तक उसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो प्लीज़ लेक्चर में बिजी जाइए और आप कम्प्यूटर को पढ़ते हैं, क्योंकि आगे जाके क्वांटम में हम हर इन चीज़ का यूज़ करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री के पोस्टलेट भी नहीं पढ़े, हम तैयारी कर रहे हैं कि जब हम उन छह पोस्टलेट को पढ़ेंगे तो हर एक स्टेटमेंट, हर एक वर्ड, हर पोस्टलेट का हर एक वर्ड, हर एक स्टेटमेंट आपको समझ में आए, वो चीज़ आपको समझ में आए, इसलिए हम लोग अभी बेसिस के ऊपर गौर कर रहे हैं। मैंने अभी तक आपको बताया स्टार्टिंग में ऑपरेटर एलजेब्रा, ऑपरेटर एलजेब्रा के अंदर मैंने आपको ऑपरेटर की प्रॉपर्टी बताई। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताया था कि जो ऑपरेटर होते हैं वो डायरेक्शन होते हैं। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि अगर आपका ऑपरेटर का स्क्वायर कर रहे हो उसका मतलब आपको ऑपरेटर को दो टाइम ऑपरेट करना है। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि क्वांटम केमिस्ट्री में सारे ऑपरेटर लीनियर होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी के अंदर मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेबल थे उन सभी ऑब्जर्वेबल के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर हैं उनके जिक्र किया। मैंने मोमेंटम का जिक्र किया, पोजीशन का जिक्र किया, काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया, पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र किया, हैमिल्टन ऑपरेटर का भी जिक्र किया। पांचवी प्रॉपर्टी के अंदर हमने कम्यूटेटर को पढ़ा था, फिर वहां पर हमने सारे के सारे कम्यूटेटर निकालने सीखे थे। हमने पहला डेरिवेटिव का सीखा था पोजीशन के साथ, पहला डेरिवेटिव सीखा था पोजीशन की पावर के साथ, फिर हमने सीखा था पोजीशन और मोमेंटम का, फिर हमने सीखा था पोजीशन का मोमेंटम की पावर के साथ, फिर हमने सीखा था पोजीशन की पावर का मोमेंटम के साथ, फिर हम लोगों ने सीखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर कैसे करते हैं, फिर हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेटर देखा था पोजीशन के साथ भी, मोमेंटम के साथ भी और एंगुलर मोमेंटम के साथ भी। उसको हमने वहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट हमने याद किए थे क्या होते हैं डायरेक्ट रिजल्ट। उसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, आज हम लोग देख रहे हैं कि आखिर हर्मेटिसिटी क्या होती है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर हर्मेटिसिटी को कैसे चेक कर सकते हो, चेक करने का एक ही तरीका क्या तरीका है, हर्मिशियन एडजॉइंट मेथड या फिर डैगर मेथड है। ऑपरेटर के ऊपर आप डैगर लगा लो, डैगर लगाने के बाद अगर आपके पास सेम ऑपरेटर निकल कर आ गया इसका मतलब जो आपका ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। आपने अभी बहुत सारे ऑपरेटर चेक किया कि आपका ऑपरेटर हर्मिशियन है नहीं है, मैंने वहाँ प्रूव किया पोजीशन हर्मिशियन होता है, वहाँ पे मैंने प्रूव किया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हर्मिशियन होता है, वहाँ मैंने प्रूव किया मोमेंटम भी हर्मिशियन होता है, पोटेंशियल एनर्जी को भी हम हर्मिशियन प्रूव करेंगे। कब करेंगे, जब आगे जाके हम लोग उसको भी प्रूव करेंगे दिखाएंगे आपको, वहाँ पर आप लोग टोटल एनर्जी को भी हर्मिशियन प्रूव कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने डैगर के कुछ फीचर्स पढ़े, फिर हम लोगों ने कुछ थ्योरम पढ़ी हर्मिशियन को लेकर। पहली थ्योरम क्या थी, सबमिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। सेकंड थ्योरम क्या थी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन व्हेन दे कम्यूट। थर्ड क्या थी थ्योरम, कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन। इसको हम प्रूव कर चुके, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि एंटी कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। क्वांटम केमिस्ट्री में हर एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, अगर आपने कोई एक लेक्चर भी मिस किया है तो आपको आगे की क्लास समझ में नहीं आ रही, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आप स्टार्टिंग के लेक्चर से आइए और हर एक लेक्चर को अच्छे से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद देखते हुए आगे बढ़िए और अपने कोर्स को अच्छे से करिए। एक बार आपने क्वांटम केमिस्ट्री को पूरा कर लिया उसके बाद आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले जो सीएसआईआर के अंदर आने वाले हैं या फिर गेट के अंदर आने वाले हैं। कोर्स हम पूरा पढ़ेंगे, कोर्स मैं आपको पूरा देने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं आपको 20 लेक्चर दूंगा 30 लेक्चर दूंगा उसके बाद मेरी कोई एप्लीकेशन आ जाएगी उसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोर्स मैं आपको पूरा दूंगा। थर्मो भी मैंने शुरू कर रखी साइड में, वो भी मैं आपको पूरी पढ़ाऊंगा। एक बार थर्मो और क्वांटम खत्म हो जाएगी फिर हम शुरू करेंगे मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। क्वांटम केमिस्ट्री को दी गई है फिजिकल में 4 यूनिट, एक यूनिट हो गई मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अगर आपने क्वांटम की यूनिट 1 को अच्छे से कर लिया दैट मीन्स आपने सेकंड थर्ड और फोर्थ को भी कर लिया, क्योंकि अगर आपको यूनिट 1 आती है तो सेकंड में थर्ड में और फोर्थ में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने क्वांटम की 4 यूनिट को अच्छे से कर लिया तो मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको मान लो कि आपको आती है, क्योंकि हम लोग उन्हीं वेव फंक्शन का मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज़ करेंगे। फिर मैंने थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर रखी, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आपको, हर एक चीज़ को जो है वो मैंने आपको कनेक्टिंग के अंदर पढ़ा रखा है, अगर आपने थर्मो को अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी अच्छे से हो गई। तो 4 यूनिट थर्मो, 4 यूनिट क्वांटम की हो गई, एक होगी मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, एक होगी थर्मो की और एक हो गई स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की, ये हो गई कुल मिला के 7 यूनिट आपकी कवर हो गई। अगर मैं बात करूँ कि एक यूनिट कितने मार्क्स के एग्जाम के अंदर आती है तो वो आती है समथिंग अराउंड 7.5 से 8 मार्क्स की, जो मेरा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन लेक्चर है चैनल का, वहाँ पर मैंने आपको बताई है स्ट्रेटजी किस तरीके से हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग क्रैक करने वाले हैं सीएसआईआर नेट के एग्जाम को बड़े स्मार्टली। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि आप खाली फिजिकल से भी 120 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हो, बशर्ते आप फिजिकल के सारे टॉपिक्स को पूरा पढ़िए।
तो हम लोग सबसे पहले फिजिकल को यहाँ पर कवर करेंगे, थर्मो पढ़ेंगे, क्वांटम पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको साथ साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनोमेटालिक भी पढ़ाऊंगा, रिएजेंट्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जीओसी भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन मेन फोकस मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, अगर आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर ही फोकस कीजिए। इनऑर्गेनिक से आप कोऑर्डिनेशन कर लेना, ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ लेना, और ऑर्गेनिक से आप रिएजेंट्स पढ़ लेना, जीओसी पढ़ लेना, वहाँ से आपका काम चल जाएगा। आप इजीली 120 मार्क्स स्कोर कर पाओगे सीएसआईआर नेट के अंदर। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप क्वांटम का पूरा कोर्स देखिए यहाँ पर, आप थर्मो का पूरा कोर्स देखिए यहाँ पर, और प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा लीजिए, 17 का ले लो, 18 का ले लो, 16 का ले लो, 15 का ले लो, और वहाँ से आप सारे क्वेश्चन करके देखो प्रीवियस ईयर के। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तब आप बोलना कि ये कोर्स जो है आपके लिए सही नहीं है, लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आप इस कोर्स को अच्छे से देखिए, आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट। तो मोटिवेशन तो बहुत हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली मैं बात आपसे कह रहा था, एंटी कोमुटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर किस तरीके से मैं इसको प्रूव करूंगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम दो ऑपरेटर मान लेते हैं, ए और बी, दोनों मेरे क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। अगर ये दोनों ऑपरेशन मेरे हर्मिशियन ऑपरेटर, मतलब क्या हो गया, ए और ए डैगर मेरा क्या है, ए के बराबर है, बी डैगर मेरा क्या है, बी के बराबर है, ओके। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो इसका एंटी कोमुटेटर है, एंटी कोमुटेटर को ऐसे लिखता हूँ मैं, ए बी और साथ में क्या लगा दिया, प्लस का साइन, ये मेरा क्या है, हर्मिशियन है। अगर मुझे ए और बी का एंटी कोमुटेटर को हर्मिशियन प्रूव करना है तो मैं इसके ऊपर डैगर लगा के देख लूंगा। अगर डैगर लगाने के बाद मेरे पास वापसी में ए और बी का एंटी कोमुटेटर निकल कर आ गया बिना नेगेटिव के, दैट मीन्स आपका ए और बी का एंटी कोमुटेटर क्या है, हर्मिशियन है। तो चलो मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ, डैगर लगा दिया। डैगर लगाने से पहले मैं इसको क्या कर दिया, मैं इसको खोल दिया, ए बी प्लस बी ए कर दिया। आपको पता है कि इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी का डैगर क्या होता है, ए डैगर प्लस में बी डैगर, फिर ए बी का डैगर क्या हो गया, बी डैगर ए डैगर, बी ए का डैगर क्या हो गया, ए बी ए डैगर बी डैगर, यहाँ पर क्या हो गया बी ए, यहाँ पर क्या हो गया ए बी, क्योंकि बी डैगर तो क्या होता है, ए बी होता है हर्मिशियन गिवन है, ए डैगर क्या होता है, ए होता है हर्मिशियन गिवन है, ए डैगर क्या हो गया, ए हर्मिशियन गिवन है, बी डैगर क्या हो गया, बी हो गया हर्मिशियन गिवन है। बी ए प्लस ए बी को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी ए, क्योंकि एडिशन तो अपने आप में कोमुटेटिव होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी ए लिख सकते हो। अगर आप इसको ए बी प्लस बी ए लिख सकते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए बी का एंटी कोमुटेटर भी लिख सकते हो। तो ए बी के एंटी कोमुटेटर के डायग्राम से चले थे, आपका ए बी का कोमुटेटर एंटी कोमुटेटर निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एंटी कोमुटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन, या फिर आप उल्टा बोल लीजिए, आप ये बोल सकते हो कि कोमुटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन। आप दोनों में से कोई भी बात बोल सकते हो। तो कुल मिला के हमने अभी तक तीन थ्योरम पढ़ी है, हमने थ्योरम पढ़ी है हर्मिटियन की, क्या क्या, पहली थ्योरम में आपने क्या पढ़ी, पहली थ्योरम आपने पढ़ी कि समेशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। सेकंड आपने क्या पढ़ी, आपने पढ़ा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन व्हेन दे कोम्यूट। तीसरी आपने क्या पढ़ी, तीसरी आपने पढ़ी कोमुटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन, या फिर आप इसको ऐसे बोल लो, या फिर आप बोल लो कि एंटी कोमुटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। सभी चीज़ों को सारी की सारी थ्योरम को मैंने प्रूव किया, इन थ्योरम को यूज़ करेंगे हम लोग आगे जाके। अभी के लिए मैंने सबको प्रूव करके दिखाया है, आपको मैंने ये बताया कि कैसे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले कि आपका जो पी जेड है, पी जेड और आपका एक्स है, क्या ये जो है वो मेरा हर्मिशियन ऑपरेटर है, अगर आप यहाँ पर क्या चेक कर रहे हो, पी जेड तो आपका हर्मिशियन होता ही है, एक्स तो आपका हर्मिशियन होता ही है, और यहाँ पर क्या है, दो हर्मिशियन ऑपरेटर का प्रोडक्ट है, ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट हर्मिशियन तब होगा, कब होगा, जब ये दोनों कम्यूट कर रहे होंगे। तो आपको चेक करना है कि क्या पी जेड और एक्स का कम्यूटर क्या होता है, जीरो होता है, जी हाँ जीरो होता है, क्योंकि हमने वहाँ पर बात की थी कि पोजिशन और मोमेंटम का कम्यूटेटर जीरो होगा। वो कम्यूट करेंगे कब, कब वो कम्यूट करेंगे, जब आपके कोऑर्डिनेट क्या हो, अलग अलग हो। अगर कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो रिजल्ट देंगे, रिजल्ट भी आपको डायरेक्ट याद है, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, अलग अलग है, पी जेड है और एक्स है, इसका मतलब क्या है, कम्यूट कर रहे हैं। अगर ये दोनों ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं, दोनों के दोनों मेरे हर्मिशियन भी है, तो इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट है, तो पी जेड इंटू मैक्स जो ऑपरेटर है वो भी क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं, इन थ्योरम्स को। अभी तेली आप इन थ्योरम को याद कीजिए, तो जल्दी से रिवाइज करते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। मोटी मोटी बात जो आपको याद रखनी है वो सिर्फ इतनी से, जो मैंने यहाँ पर लास्ट में डब्बे के अंदर लिखा हुआ है, सिर्फ आप इस चीज़ को याद रखो, तीनों थ्योरम इसके अंदर ही है। थ्योरम में क्या कहते हैं आपसे, अगर आपका ए हर्मिशियन है, बी हर्मिशियन, तो ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी क्या होगा, हर्मिशियन होगा, थ्योरम नंबर वन कहती है ये। उसके बाद ए बी इज हर्मिशियन ओनली व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि ए और बी क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, ये क्या है, थ्योरम नंबर टू है। आप थ्योरम को इस तरीके से याद करो। तीसरी क्या है, ए बी का कम्यूटेटर क्या होता है, ए बी माइनस बी होता है, ये क्या होगा, हर्मिशियन होगा। अगर आपके पास ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर दोनों हर्मिशियन हैं, तो ए बी का कम्यूटेटर क्या होगा, ए हर्मिशियन होगा, एंटी हर्मिशियन होगा, ये भी हमने प्रूफ किया था। उसके बाद आप बोल सकते हो कि एंटी कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर, एंटी कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। इन चारों चीज़ों को हमने प्रूफ किया है। तो आपको मोटा मोटी सिर्फ ये चार चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इन चार चीज़ों को याद करना है। अगर आपको ये चार चीज़ याद है तो आपको सारी की सारी
थ्योरम याद है, अगर आपको सारे की सारी थ्योरम याद है दैट मीन्स मैं मान सकता हूँ कि आपको डैगर की फीचर्स याद है। अगर आपको डैगर के फीचर पता है तो आप बता सकते हो कि कौन सा ऑपरेटर आपका अर्मिशन है, कौन सा ऑपरेटर आपका अर्मिशन नहीं है, आप सभी चीज़ बता सकते हो। अगर आपको कम्यूटेटर पता है क्या होता है तो आप प्रॉपर थ्योरम नंबर टू का भी यूज़ कर सकते हो। आप बता सकते हो कि कौन दो ऑपरेटर का किसी किन दो ऑपरेटर का प्रोडक्ट मेरे पास क्या होगा हर्मिशन होगा और किन दो ऑपरेटर का प्रोडक्ट मेरे पास हर्मिशन नहीं होगा, बशर्ते आपको कम्यूटेटर सारे आते हो। कम्यूटेटर के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, मैंने आपको सारे कम्यूटेटर प्रूव भी कराए हैं, जनरल एक्सप्रेशन के साथ उसको याद भी कराए हैं। आप सारे कम्यूटेटर को याद करो, सारी थ्योरम याद करो हर्मिसिटीज की और प्रूव करने लग जाओ कि कौन से ऑपरेटर आपके हर्मिशन होते हैं, कौन से ऑपरेटर आपके हर्मिशन नहीं होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं सीएसआई या नेट के अंदर जो हर्मिसिटीज के ऊपर आपसे पूछे गए हैं और गेट के अंदर आपसे पूछे गए हैं, तो उसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और एक चीज़ की टेंशन आप बिल्कुल मत लेना, कोर्स आपका बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं आपको बीच में छोड़ देने वाला हूँ, कोर्स आपका बिल्कुल पूरा होने वाला है, राइट। तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आप बस लेक्चर्स को थोरली पढ़ते जाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करते जाइए, अगर आपके वो क्वेश्चन हो रहे हैं दैट मीन्स आप सही कर रहे हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ या मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ। मैं इस चैनल को शुरू इसीलिए किया है ताकि हर एक बच्चे के पास एजुकेशन पहुँच सके इस COVID-19 पैंडेमिक के अंदर, जिस सिचुएशन में इस टाइम हमारी कंट्री है हर एक बच्चा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इस चैनल को बनाया जहाँ पर मैं आपको पूरा कोर्स फ्री में करा रहा हूँ CSIR नेट का और गेट का। उसके बाद हम IIT जैम के कोर्स की बात करेंगे, सभी कोर्स मैं आपको यहाँ पर एक बार फ्री करके छोड़ दूंगा ताकि आप सब लोग सभी बच्चे जो है वो एजुकेशन ले सकें। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये कोर्स आपके लिए पेड हो जाएगा, कभी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होगा, राइट। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट भी किया करो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो उसका भी आप कमेंट किया करो, आपके कमेंट जो है हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं यार। आप लेक्चर को लाइक करो अगर आपको अच्छा लगता है तो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।